All right, I think if I'm not wrong, I think we are just globally live right now. And this is one more time. AstroCare ki wajah se hum aapke saath jud gaye hain aaj globally. And it is through a lot of mediums, I think. Bahut sare madhyam hai, YouTube hai, Facebook hai, aur Zoom hai, jiske zariye hum jud chuke hain is samay, dosto. Hi, I'm Gaurav Shah. Ek baar phir se, main is samay Canada mein hoon, aur I think बहुत यूरोप में, पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, काफी जगहों से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात करने के लिए तैयार हैं. वेल, क्योंकि आज दिल की बात हो रही थी तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ. वेल, मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लिया. इट्स नॉट दैट ग्रेट आई थिंक, क्योंकि आई एम नर्वस बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ अभी लाइव बात हो रही है यहाँ पे. ऑलराइट गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोकेयर की बदौलत आज हम यहाँ पर फिर से जुड़े हैं. एंड देयर आर सर्टन हाउस रूल्स, कुछ हाउस रूल्स हैं यहाँ पर हमारे पास जिनके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ. एंड लेट्स जस्ट गो हियर वन टाइम, एक बार हम हाउस रूल्स जो है वो जान लेते हैं. चलिए, COVID-19 एंड कार्डियोलॉजी, इसके बारे में बातचीत करेंगे आज हम. एंड हाउस कीपिंग रूल्स हमारे, दिस वेबिनार विल बी रिकॉर्डेड जैसे कि आप जानते हैं पहले की तरह, एंड विल बी शेयर्ड विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स आफ्टरवर्ड. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको वेलकम, एंड आप सबके साथ शेयर किया जाएगा ये पूरा का पूरा वेबिनार. लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली एक घंटा अगर आप बर्दाश्त कर पाए तो. और ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइन्स आर म्यूटेड राइट नाउ, सबको म्यूट कर दिया गया बिकॉज बोलने का हक सिर्फ मुझे, पैसे भी मुझे मिल रहे हैं इसलिए मैं ही बोलूंगा. मजाक कर रहा हूँ ऑलरेडी. ओके, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन देयर विल बी अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. लेकिन ये जैसे कि मैंने बताया, एट द एंड ऑफ द वेबिनार आखिरी में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. जो Q&A है उसमें आप अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन तो वो चैट बॉक्स में आ जाएगा, यू नो विल चेक इट आउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, जैसे कि पहले कहा था कि यू नो लाइन्स म्यूट हैं, कोई कुछ कह नहीं पाएगा बिकॉज यू नो डिस्टर्बेंस हो सकती है. काम की इन्फॉर्मेशन है. एंड वंस अगेन आई एम गौरव शाह, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर द डे. एंड नाउ इज द टाइम कि जिस मेन इंसान के साथ हम बात करने वाले हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आप लोगों को यहां पर. एंड दैट इज नन अदर देन द पर्सन जो कि इस समय प्रैक्टिस जो है ट्राइसिटी में कर रहे हैं, दैट इज इन पंचकुला, ट्राइसिटी, चंडीगढ़, पंचकुला मोहाली का जो ट्राइसिटी एरिया है, नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया, वहां पर पंचकुला में प्रैक्टिस करते हैं. बट ही इज नोन थ्रू आउट नर्दर्न इंडिया एंड नॉट ओनली नर्दर्न इंडिया, आउट ऑफ नर्दर्न इंडिया, जैसे कि यहाँ पे कनाडा, यूरोप, अमेरिका, पाकिस्तान, बाकी जगहों पर भी इनका नाम पहुंच चुका है और पहुंच रहा है. दिस इज नन अदर देन आवर पैनलिस्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता. डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? I'm good, गौरव, थैंक यू फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. डॉक्टर साहब, मैं आपका यहाँ पे पढ़ रहा था बिकॉज यू नो यूर MBBS इंटरनल मेडिसिन से आप प्लस यू नो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट. सो ये आपको मतलब कि दिल लगाने का शौक था बचपन से, या मतलब वैसे ही आपको लगा कि मुझे लोगों के दिल जो है वो ठीक करने चाहिए? व्हाट आई फील इज, देखो जो हार्ट की है, यू नो कि भी जो एवरीवन नाउडेज इट्स दे आर अफ्रेड ऑफ हार्ट डिजीज. सो मुझे भी एक मेरा शौक भी था व्हेन आई जॉइंड MBBS. तो मेरा उसी टाइम से मेरा शौक था कि मुझे एक कार्डिक हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, सो दैट कि भी आई कैन प्रोवाइड माई बेस्ट सर्विसेज टू माई पीपल एंड टू गिव माई बेस्ट बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल ब्रांच, एवरीवन नोज दिस. सो the purpose is to give my best and to provide a better quality of life to the people. That's why I want to be a cardiologist. Doctor sahab, aap to dil ke doctor hain aur dil jo hota hai wo bada hi nazuk hota hai, bada masoom sa bhi hota hai. Aur वैसे तो हम usually यही कहते हैं कि जो doctors हैं they are next to gods, right? भगवान के बाद अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं या किसी से हमारी उम्मीदें होती हैं तो वो है डॉक्टर. ये एक ऐसा प्रोफेशन है. और जो दिल का आपने मामला चुना है वो वैसे ही वो ऊपर से भी कनेक्टेड है, वो फिर आपने आपके साथ भी कनेक्ट हो चुका है. सो दैट इज ट्रूली अमेजिंग. अच्छा, बिफोर यू बिकेम डॉक्टर एक्चुअली, सो स्कूल और कॉलेज के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि आपके आसपास कोई किसी का दिल टूटा और आपने सोचा कि यार इसका दिल ठीक किया जाए? ऐसा भी होता है कि दिल टूटने पर ठीक होता है कि नहीं होता है? वो मतलब नहीं होता है, दैट आर लाइक ऐसा नहीं रहता. मतलब उस टाइम पे लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो हमसे बात होती थी, चलो दैट इज पार्ट इज बिकॉज सम हाउ यू नो कि भी आजकल भी ऐसा रहता है, पीपल आर इन रिलेशनशिप तो उसमें भी अप एंड डाउन होते रहते हैं. बट वॉट आई फील इज देर इज नथिंग लाइक दैट कि भी ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ जो कि आता है, चले जाता है.
So nothing, you don't have to take it in a serious way. Just what I feel is enjoy your life, take care. That is what I'm going to discuss today. How you can very true, Dr. Saab. So all right, people, जैसे कि मैंने बताया कि Astro Care की बदौलत आज मैं जुड़े हुए हैं. Astro Care जो है, it helps patients to connect with the leading health experts, जैसे कि डॉक्टर साहब के साथ, और इनके साथ साथ और बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो उनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, लैब्स के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, फार्मेसीज के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा. इन डिटेल में हम एंड में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें दिल के बारे में बात करनी है, क्योंकि दिल का मामला है. और लीजिए डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए यहाँ पर ये आ चुका है कि व्हाई एवरीबॉडी इज आफ्टर हार्ट, क्यों? सो बेसिकली आज हमें पता द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर ह्यूमैनिटी इज अ कोविड, कोरोना वायरस, क्योंकि हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में और हमारे देश में फैल रहा है. सो हमें पता है कि ये जो वायरस है, हम लोग इवन आफ्टर वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन, स्टिल द नंबर ऑफ केसेस विल बी इंक्रीजिंग डे बाय डे. Actually, you know what? My mistake. I will change the question because हम दिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा क्योंकि COVID-19 के साथ शुरुआत हुई थी, तो मैं बिल्कुल चेंज करना चाहूंगा यहाँ पे कि COVID-19 का जो इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ और हार्ट पर कैसे पड़ रहा है. मैं वही आज बेसिकली डिस्कस करना चाहता हूँ. तो आज पर्पस मेरा यही है कि भी कोरोना का एंड हाउ इट इज इट विल अफेक्ट योर हार्ट एंड हेल्थ. देखिए आज का जो टॉपिक है उसमें मैं यही फोकस करूंगा, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट की मेडिसिन चल रही है, जिनको पहले एंजियोग्राफी हुई है और या फिर स्टेंटिंग हुई है, जिनका हार्ट पंपिंग वीक है, उनको कोरोना कैसे इफेक्ट करेगा. एज एवरीवन वी नो इट इज लाइक अ जस्ट अ वायरस, जो कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ डे 3 to 4 इन अ फॉर्म ऑफ फीवर रहता है, कॉफ हो गया, ब्रेथलेसनेस होगी, वीकनेस होगी. तो मेजोरिटी जो 80% ऑफ पॉपुलेशन होती है उसमें ये माइल्ड और एसिम्टोमेटिक रहते हैं पेशेंट्स. ओनली द 20% ऑफ द पॉपुलेशन जिसको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, उसमें जो क्रिटिकल जो एक पर्टिकुलर सब पॉपुलेशन होती है, जैसे जिनको डायबिटीज हो, जिनको जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो, ओल्ड एज पीपल या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है. वो भी 3-5% ऐसे लोग होते हैं. सो हाउ इट विल अफेक्ट द हार्ट, देखिए जिनका तो पहले ये जो वायरस है ये दो तरीके से हार्ट को प्रॉब्लम कर सकता है. या तो एक तो होता है ये डायरेक्ट इट विल इंजर द हार्ट मसल, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, जो कि बहुत ही अभी स्टडी जो रिसेंट चाइना से भी आई है और यूएस में भी हुई है, उसमें प्रूवन है कि भी ये जो वायरस है डायरेक्टली मसल को इफेक्ट करता है, इससे जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट सो मेनी नंबर ऑफ आवर पेशेंट्स. एंड दूसरा इसका जो इफेक्ट रहता है बिकॉज ऑफ सिस्टम, जिसको बोलते हैं सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, उसकी वजह से भी जो जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है उसकी वजह से जो हमारे बॉडी इम्यून प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो कि भी वो भी पाया गया है कि वो भी हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है, उससे भी पेशेंट्स को मायोकार्डाइटिस जो कि मसल की इंजरी, हार्ट की मसल की इंजरी होती है. एंड द अदर पॉपुलेशन विच आर मोस्ट गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम दिस COVID-19 इज द ओल्ड एज पॉपुलेशन, या जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम हो, जैसे जिनका हार्ट वीक हो, पहले एंजियोप्लास्टी हुई हो, और जिनका जैसे कोई रिदम एबनॉर्मेलिटीज हो, वाल्व्स चेंज हो, तो उनमें क्या पाया गया है कि जो ये कोरोना वायरस है उसकी वजह से जो निमोनिया होता है, और प्लस जो पेशेंट जिन पेशेंट्स का हार्ट ऑलरेडी वीक है, तो उन केस में ये पेशेंट हार्ट फेलियर कर देता है, एकदम से पेशेंट हार्ट फेलियर में चले जाता है, जिसकी वजह से उनको क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, एकदम से शरीर की फुलावट आ सकती है, सैचुरेशन जैसे हम देखते चेक करते ड्रॉप हो सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है. सो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो कि हमने पाया कि कोरोना की वजह से हमारे हार्ट में हार्ट को इफेक्ट कर रही है. सो यही इसी की बेसिकली यही दो पॉपुलेशन हैं जिनको हमें हम बार बार बोलते हैं कि भी इनको आपने प्रिकॉशंस लेनी है जितनी ज़्यादा हो सकती है, अपना डायबिटीज स्टेटस को कंट्रोल करके रखना है, अपना बीपी शूट अप नहीं होने देना, और जो भी हार्ट की मेडिकेशंस आप कंटिन्यू कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है, रेगुलर कंसल्ट योर डॉक्टर, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू विजिट द हॉस्पिटल यूज योर ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑनलाइन ऐप, तो उससे भी आप थ्रू अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. सो ये चीज है कि दिस इज द वे हाउ दिस कोरोना विल अफेक्ट योर हार्ट. डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक बात सवाल करना चाहूंगा, बल्कि सवाल नहीं है बेसिकली, मैं जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए ये बात और भी लोगों तक पहुंचे. और वो बात इतनी सी है कि जब हम ये बता रहे हैं कि जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जो लोग जिनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है, विच इज बेसिकली मेजोरिटी इन मेजोरिटी ऑफ केसेस ओल्ड पीपल, बट समटाइम्स इट इज द यंग वंस आल्सो, तो उनको ये ज्यादा अफेक्ट करेगा, उनको तकलीफ हो सकती है. लेकिन COVID-19
हो तो किसी को भी सकता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो कोई भी है, एनीबॉडी कैन बिकम अ कैरियर, राइट? मैं वही कह रहा हूँ, जो 80% पॉपुलेशन रहती है, जो हमारी 80% पॉपुलेशन है, उसमें क्या रहता है, ये उसमें या तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट विल हैव मोस्ट ऑफ द पेशेंट विल रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, और उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक माइल्ड फीवर हो गया, बॉडी एक्स हो गई, तो उस केस में भी हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ अपने आप को जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है अपने आप को अपने सेल्फ आइसोलेट करना 14 डेज के लिए, प्रॉपर डाइट लेनी है, आप क्या कर सकते हो, आप सूप लीजिए, मोर इंकरेज योरसेल्फ, मोर ट्राई टू टेक फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, सूप्स, वेजिटेबल्स लीजिए और फ्रूट्स खाइए। सो बेसिकली ये नहीं है कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि इफ यू आर अ सस्पेक्टेड केस और इफ यू आर अ कंफर्म केस, दोनों में क्या है, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरा सैचुरेशन ड्रॉप नहीं हो रहा, मेरे को ब्रेथलेसनेस नहीं है, तो आपको कुछ करने की जरूरत है, इवन आपको कोरोना का टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल अपने घर पे बैठिए, डू योर अपना सेल्फ आइसोलेट कीजिए और जो भी है प्रिकॉशन अच्छे से सैनिटाइज यूज करते रहें और अपना ग्लव्स पहने, मास्क पहन कर रखे प्रॉपर, और अवॉइड भी आप जितने घर के बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाते रहें। तो यही है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर पता लगा कि हाँ जी मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया हूँ, व्हाट आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे हॉस्पिटल अभी देश में ये कंडीशन चल रही है कि वी आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ केसेज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ फैसिलिटी, सो आने वाले टाइम पे हो सकता है इवन जो सिम्टम किसी के ज्यादा हो तब भी हमें ऐसा हो सकता है कि हमें बेड ना मिले हॉस्पिटल में, तो उस बेस पे करना यही है, घर पे रहें, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, ट्राई इंक्रीज मोर फ्रूट्स और सूप पीजिए, ये चीजें ही करनी है अपना प्रॉपर। अगर आपको थोड़ा सा फीवर होता है तो आप टैबलेट डोलो सेफर साइड पे वो ले सकते हैं, एक एंटीबायोटिक आती है टैबलेट एजिथ्रामाइसिन आती है, वो उसका 5 दिन का कोर्स होता है 500 mg का, अगर आपको लग रहा है भी थोड़ा सा मेरे को खराश हो रही है गले में, वो कर सकते हैं, पूरा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखें, यूज डिस्पोजेबल बेडशीट्स रखें अपने साथ, एक सैचुरेशन प्रॉब आती है जिसे आप अपना रेगुलरली हर 3 या 4 घंटे बाद सैचुरेशन मॉनिटर करते रहें, अगर ये 90 से ऊपर जाती ऊपर रहती है सैचुरेशन तो देयर इज नथिंग टू वरी, घर पे रहें, खाना अपना मेंटेन रखें, कोई वरी वाली बात नहीं। अगर ये 90 के नीचे जाती है सैचुरेशन, हाँ डेफिनेटली दैट इज अ पॉइंट वेयर यू हैव टू सीक द मेडिकल अटेंशन, तो उस केस में भी हम क्या देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है कि हमारे पेशेंट आते हैं बट हमारे पास बेड्स नहीं है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे कब क्या किया जाए, जब सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, पेशेंट को सिम्टम्स भी हैं, तो हम लोग उनको ये कह रहे हैं एक तो आप अपना घर पे ऑक्सीजन आप अरेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क लगा के ऑक्सीजन लीजिए, अगर उससे आपको इम्प्रूवमेंट मिल रही है, सैचुरेशन आपका 90 से ऊपर जा रहा है, देन कहीं आपको हॉस्पिटल में भागने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टे एट होम और ये अपना ऑक्सीजन लेते रहें, और अगर एक और जो मेडिकेशन, अगर आपको फीवर है, कॉफ सीरप्स आर अवेलेबल, सो दीज आर द बेसिकली होम बेस्ड केयर एंड प्रिकॉशन, व्हाट आई फील कि भी जो पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हैं और कैरियर्स हैं, सस्पेक्टेड हैं, उनको यही करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द हॉस्पिटल जहाँ पे ऑलरेडी कोरोना के केसेस ज्यादा हैं, और उनका आई डोंट थिंक सो कि भी आपको बर्डन बढ़ाना चाहिए। प्लस ये भी है कि जैसे कि आपने बताया कि वहां पर ऑलरेडी पेशेंट्स होंगे कोविड के, तो अगर किसी का माइल्ड भी होगा एंड दे गो टू हॉस्पिटल, देयर इज अ चांस कि शायद वो और खराब हो जाए। दैट इज वाई हम लोग, हमारा भी, हमने जो हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं, जो बोलते हैं, दैट इज अ होम बेस्ड केयर, यही एक पर्पस है, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आप घर पे बैठे आराम से, मास्क यूज करें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और अपना ध्यान रखें, बस यही एक वो चीज है, वेरी नो पॉइंट कि भी आप विदाउट सिम्टम्स एक टेस्ट करो अपना कोरोना का, इवन इफ यू फील कि भी हाँ मैं किसी के कॉन्टेक्ट में भी आया हूँ, कोरोना पॉजिटिव किसी के कॉन्टेक्ट में, देन देर इज नो पॉइंट, just stay, just self isolate yourself at home and take the precaution, that's it for 14 days, that is the part. Thank you so much doctor, thank you so much. I think aapne mere agle bhi 2-3 topic jo wo cover kare the jisme ki confirmed and suspect cases wala tha mera sawal jo main soch raha tha, plus agar ghar pe, because majority of cases mein ghar mein rehna pad raha hai, because hospital mein abal to jagah bhi nahi hai, and then lot of times nahi pata chalta ya mild symptoms hai, तो घर पे कैसे प्रिकॉशन लेनी है, डिस्पाइट अवर बेस्ट एफर्ट्स हम प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, स्टिल अवर केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं लैक्सिटी दी गई है जिसकी वजह से ये कुछ सब कुछ हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कहीं घर से बाहर भी जाना है, कोई जरूरी काम पे जाना है, ट्राई कीजिए कि घर के बुजुर्ग या जो यंग पेशेंट्स, जो यंग अपने फैमिली मेंबर्स वो ना जाएं,
जो आपके 30-40 ईयर्स वाले एज के जो अपने फैमिली मेंबर्स है वो ही बाहर निकले, और ट्राई कीजिए मिनिमम एक ही बंदा बाहर जाए, ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरे फैमिली अपना एक काम के लिए बाहर जाए। सो ट्राई की भी जितना आप अपने आप को प्रिकॉशन ले सकते हैं उतना लीजिए। दिस इज ऑलराइट, वेरी ट्रू। मैं इसके बारे में कुछ और बात भी करना चाहूंगा लेकिन अंत में, नॉट राइट नाउ, अब क्योंकि हमने कोविड के बारे में काफी बातचीत कर ली है और अब मुझे अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर उतरना, दैट इज हार्ट, दिल। दिल का मामला जो है बड़ा कमाल का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत संगीन मामला है। सो डॉक्टर साहब, आपने संगीन मामले के अंदर डॉक्टरेट हासिल की है, यू आर द स्पेशलिस्ट, व्हाई एवरीबॉडी इज आफ्टर हार्ट? देखिए, आज का एक सिनेरियो है, सब लोग ही जो कॉमन है यही रहता है कि हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें कुछ हार्ट की है तो हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। सो एक माइंड में फियर है आज भी, अगर आप देखो तो हमारे पेशेंट्स आते हैं तो हमें पहले यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ और नहीं, हमारा बस हार्ट आप देख लीजिए, अगर हमारा हार्ट ठीक है तो आई थिंक भी हम लोग सब ठीक हो ही जाएंगे, हमें और कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो बेसिकली ये एक यू नो एक फियर फैक्टर भी है लोगों के माइंड में कि भी हार्ट के रिलेटेड। तो डेफिनेटली आई वॉन्ट टू से इंडिया इज नाउ बिकम द कैपिटल ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आई थिंक मोर देन 5 crore ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी हैविंग दिस हार्ट प्रॉब्लम इन अ फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक, इन फॉर्म ऑफ डिक्रीज हार्ट पंपिंग जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी, इन फॉर्म ऑफ रिदमिक डिसऑर्डर्स। सो ये डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे इंडिया में चल रही है, और इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी है कि भी अगर जिसको प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा इट विल अफेक्ट योर लाइफ स्टाइल, इट विल इवन इट कैन थ्रेटन योर लाइफ ऑल्सो और किल यू ऑल्सो। सो दैट इज द मेन थिंग दैट वी जो पेशेंट्स हैं जो इनको वाई दे आर एवरीबॉडी इज आफ्टर हार्ट। सो मोस्टली हमने क्या देखा है कि पिछले 5 decades से आवर कॉरोनरी आर्टरी जो हार्ट की केसेज होते हैं दैट हैज बीन राइजिंग फ्रॉम 4-12%। दैट इज अ वेरी ह्यूज हाइक दैट वी हैव सीन एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। मोर ओवर हमने एक चीज और देखी है कि भी हमारे कंट्री में यंग MIs की बहुत ज़्यादा मतलब प्रेवलेंस है। यंग MIs जैसे मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है जैसे US, UK है, यूरोप में, उनमें जो हमने देखा गया जो हमारी स्टडीज आई हैं उसमें व्हाट दे हैव फाउंड इज जो हार्ट अटैक की रेशियो है जो एज है दैट इज आफ्टर 60 years उनके पेशेंट्स को ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू अवर, अगर हम इंडियंस में देखें तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम इवन 30 years। आई हैव सीन, मैंने हमने एंजियोग्राफी की है जिनको हमने देखा गया कि उनकी बाईपास सर्जरी भी हमें करनी पड़ी है। सो मतलब कहने का ये है कि भी इंडिया में यंग MI इज बीन देयर मेजर थ्रेट जो कि हमारी पॉपुलेशन 30 से 50 को अफेक्ट कर रहा है। उसका मेजर रीजन क्या है? वन इज अवर बैड हैबिट्स जो हम लोग आजकल वेस्टर्न फूड जो हम लोग ले रहे हैं, हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं है, वी आर हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। द अदर द मेजर पॉइंट इज स्ट्रेस जो कि यंग पॉपुलेशन में आजकल बहुत है। हम लोग बिल्कुल अपना काम कर ही जा रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अवर हेल्थ। सो दैट इज द कॉज बेसिकली भी जो कार्डियक का जो मोर्टेलिटी या जो यो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का एक एज फैक्टर होता है कि इट विल कम यूजली आफ्टर 50-60 years, वो की शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट पैरेंग्यूम जिसकी वजह से ये अभी इंडियन पॉपुलेशन में 30 से 50 ईयर्स की एज में भी हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, आपने ये तो अब बता दिया कि व्हाई एवरीबॉडी इज आफ्टर हार्ट, राइट, लेकिन अभी थोड़ा सा जब हम हार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल, जो सबसे पहली बात जो है दैट इज हार्ट अटैक। वो हार्ट अटैक जो है वो बात जो है वो दिमाग में आती है, और तो जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं जब हो जाता है उसके बाद तो डॉक्टर्स के हाथ में है, राइट। सो वो आप बताइएगा जरूर एग्जैक्टली हार्ट अटैक होता क्या, बिकॉज कई लोगों को मालूम ही नहीं कि एग्जैक्टली हार्ट अटैक क्या होता है, लेकिन उसके सिम्टम्स भी क्या है अगर पहले से पता नहीं होता। देखो, हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है जब इससे क्या होता है, ये पहले होता क्या है, ये हार्ट अटैक होता है कि भी जब आपकी जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है जिसको हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, अगर उसमें कहीं से ब्लॉकेज आ जाता है, एकदम से सडनली कोई क्लॉट आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट की जो सप्लाई होती है मसल्स को वो एकदम से बंद होने की वजह से पेशेंट को क्या होता है, एकदम से चेस्ट पेन शुरू हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, एकदम से हार्ट की जो नाड़ी है, जो ब्लड सप्लाई है, उसमें ब्लॉकेज आने की वजह से जो हमारी मसल होती है हार्ट की वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जो पेन आता है उसी की ही उसी को एक हार्ट अटैक बोलते हैं। दैट इज द डेफिनेशन जो कि हार्ट अटैक की है। उससे क्या होता है पेशेंट्स को, हाउ दे विल प्रेजेंट, उनका जो क्या होता है कि भी एक तो चेस्ट पेन के साथ आते, वो बोलेंगे हमें डिफ्यूज यहाँ पे चेस्ट में हमारी छाती भारी हो रही है,
जो कि जो पेन होता है वो बेसिकली वो होता पेन वो एक छाती में भी हो सकता है जो कि रेडिएट करे आपकी आर्म्स में, लेफ्ट आर्म में भी कर सकता है, राइट में भी कर सकता है और आपके जॉ में भी कर सकता है. सो ये तो एक मेजर एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम है चेस्ट पेन जो आता है. सेकेंड क्या है तो उसकी वजह से जो आपको एक चौकिंग और स्क्वीजिंग टाइप की एक सेंसेशन आती है कि भी जब भी आप चलते हो या जब भी आप रेस्ट पे भी हो वो आपको एक फीलिंग आती है. वो बेसिकली इज अ टिपिकल सिम्टम की भी आपको एंजाइना और चेस्ट पेन का है वो बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द जो कॉरोनरी आर्टरी उसकी वजह से है. अदरवाइज इसके और भी सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि भी ठंडे उसका पसीना आना, कई बार जैसे जो पेशेंट ओल्ड एज होते हैं, डायबिटिक होते हैं जिनको जिनको क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है, या फिर जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनको क्या है चेस्ट पेन फील ही नहीं होता. उनको सिम्टम्स कैसे आते हैं, या तो सांस फूलने लगता है उनको एकदम से या फिर उनको पसीना आता है. ये दो चीज़ें होती हैं कि भी जो कि ओल्ड एज और कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन से डायबिटीज में पाया गया है. और ये जो हार्ट अटैक है ऐसा नहीं है कि भी एकदम से ही आता है. इट विल टेक इससे पहले जैसे जब आपकी हैबिट जो आपकी खाने पीने का जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है तो वो क्या करता है कि आपकी नाड़ियों जो होती है कॉरोनरी आर्टरीज होती है उसमें धीरे धीरे नेक्स्ट वी गो टू नेक्स्ट दैट स्लाइड सीक्वेंस. तो उसमें क्या होता है वो आप प्रीवियस वन जो उसमें जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है कि भी उसमें प्रीवियस उसमें पहले एक प्लाक बनना शुरू होता है जो कि फाइबर या दिस वन. सो इसमें क्या होता है धीरे धीरे ये ऐसा नहीं होता है एकदम से ये शुरू होता है हार्ट अटैक. इसमें क्या होता है पहले तो पेशेंट को जो जिन पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो वो क्या होता है कि वो जो कॉरोनरी आर्टरी उसमें एक प्लाक से बनने फैटी डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं. उसके बाद जब ये बढ़ता बढ़ता 70% तक जब हमारी आर्टरी में थोड़ा दिक्कत आनी ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाए तो पेशेंट को चेस्ट पेन शुरू हो जाता है जिसको थोड़ा हैवीनेस इन द फॉर्म ऑफ थोड़ा हैवीनेस भी हो सकती है, चलते हुए सांस की भी दिक्कत आ सकती है. और बढ़ता बढ़ता ये जब 90% में हो जाता है फिर तो ये होता है कि पेशेंट को एकदम से इवन अगर वो रेस्ट पे है देन आल्सो ही विल स्टार्ट फीलिंग चेस्ट पेन. और हार्ट अटैक कब होता है जैसे मैंने बताया था एकदम से नाड़ी को बंद होना, जब ये 90% वाले जो प्लाक होता है जो क्रिटिकल ब्लॉकेज लिखा हुआ है जब ये फट जाती है तो उसमें ये पूरी ही एकदम से 100% कट ऑफ हो जाती है. उस टाइम पे जो पेशेंट को चेस्ट पेन होता है रेस्ट दैट उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक. सो ये बेसिकली ऐसा नहीं है एकदम से होता है, ये जस्ट पूरा फॉलो अप होता है. जैसे कि बीस पहले आपकी अगर हैबिट्स अच्छी नहीं है तो इट विल स्टार्ट विद अ फैट डिपॉजिट एंड देन इट विल बिकम अ हार्ट अटैक. सो ये धीरे सो आई थिंक ऑन दैट नोट आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल को अपना बॉडी का जो थॉरो चेकअप है वो आई थिंक रेगुलरली हर 6 महीने के अंदर मुझे लगता है करवाते रहना चाहिए. या डेफिनेटली ये होता है कि आफ्टर बेसिकली तो कोई आज पहले देयर वाज अ क्राइटेरिया कि भी आफ्टर 40 एवरीवन शुड अंडरगो आपके ब्लड टेस्ट इन फॉर्म ऑफ लिपिड कराना चाहिए, किडनी का टेस्ट फंक्शन कराना चाहिए, आपको TMT कराना चाहिए ECG को. बट आजकल जो इंडियन पॉपुलेशन एज आई डिस्कस अर्लियर आल्सो सो लॉट ऑफ पेशेंट आई हैड सीन की द एज इज नॉट द नाउ अ फैक्टर की भी उसके आपको उस टाइम पे करवाना चाहिए. अभी क्या है हमने देखा यंग MIs में इवन बिफोर 30 ईयर्स और या फिर जिनको फैमिली हिस्ट्री है तो हमको हम उनको रिकमेंड करते हैं भी इवन एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरलिपिडीमिया है जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए. बट अदरवाइज नॉर्मली व्हाट आई रिकमेंड इज आफ्टर 40 एवरीवन शुड एटलीस्ट ईयरली और एट अ 6 मंथली शुड अंडरगो TMT ECG इकोकार्डियोग्राफी एंड आपका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए डॉक्टर साहब अभी हमने ये तो हमने हार्ट अटैक के बारे में और सिम्टम्स के बारे में कुछ बातचीत की है. अब क्योंकि हमें अब रिस्क फैक्टर्स जो हमारे सामने आ रहे हैं हमें रिस्क फैक्टर्स भी देखने हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं. देखिए इसके जो रिस्क फैक्टर्स पाए गए हैं वो दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइएबल और नॉर्मल. मॉडिफाइएबल मीन्स जो हमारी वजह से हमने अपने रिस्क फैक्टर अपनी बॉडी में बनाए हैं जिसको हम अगर अपनी हैबिट्स इंप्रूव करें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें तो वो ठीक हो सकते हैं. जैसे कि डायबिटीज है, ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया जो भी मैं बात कर रहा था, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है जिनको, या स्ट्रेस है. ये जो चीज़ें हैं कि जिनको हम लोग अगर कंट्रोल कर अपने आप को अपना लाइफस्टाइल चेंज करें इससे तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं. नॉन मॉडिफाइबल भी जो हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते अपना जो हमारा जैसे जेनेटिक मेकअप है इस पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री मीन्स क्या है जिनके अगर मेल जिनके सपोज फर्स्ट रिलेटिव है जो उसको कॉरोनरी आर्टरी डिसीज हुई है लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज अगर मेल पेशेंट है अगर और अगर फीमेल में किसी में हुई है वो लेस देन 65 ईयर उसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री, सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री. और या फिर एज इज अ फैक्टर और मेल्स और जेंडर लाइक अ मेल सेक्स. सो इन चीजों को तो हम चेंज नहीं कर सकते. राइट. सो जब मेल मेल जेंडर की जब बात करते हैं तो जेंडर वाली जो ये प्रॉब्लम है जो
फैक्टर है, ये थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करिए कि हम क्या बता रहे हैं कि क्या ये मेल्स में ज्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक का? मेल्स में रिस्क होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स की वजह से भी, जो फीमेल्स होती हैं उनमें हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जो कि दैट विल बी प्रोटेक्टिंग, जो कि हार्ट से उनको बचा के रखता है फीमेल्स में. जो मेल में जो हार्मोन की वजह से भी होता है, और मेल्स का मोर ओवर बिकॉज ऑफ हैबिट्स आलो बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रेस, उनकी वजह से भी ये में पाया गया है कि मेल्स में ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, जो कि है भी है, हमने वी हैव सीन आल्सो. मैं कितनी बार अपनी बीवी को बोल चुका मेरे को परेशान मत किया करो, मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा. वो रहेगा यार, दैट इज एवरीवन हैज दैट. चलिए अभी डॉक्टर साहब, जब जो मॉडिफाइबल जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, राइट, आप बता रहे हैं कि इनको लाइफस्टाइल के साथ हम चेंज कर सकते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, मतलब कि वो क्या ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें हम चेंजेस लेकर आए और ये सब चीजें रिवर्स हो सकती हैं? बेसिकली देखिए, लाइफस्टाइल कुछ नहीं है, लाइफस्टाइल इज अ सिंपल थिंग, द वे वी ईट, हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम वर्क, कितना हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हाउ वी बिहेव विद अदर्स, अपने सोसाइटी में अपने फैमिली मेंबर्स से कैसा बिहेव कर रहे हैं, हाउ वी ड्राइव ऑन द रोड, कितना हमारा स्लीप पैटर्न है, एंड हाउ वी आर, हाउ मच टाइम वी आर गिविंग टू आवर बॉडी, हाउ मच आवर वी आर गिविंग रिलैक्सेशन टू बॉडी, दिस इज ऑल व्हाट द लाइफस्टाइल इज. सो इट स्टार्ट फ्रॉम द बेड, फ्रॉम योर ओनली. तो ऐसा नहीं है कि उसमें लाइफस्टाइल में बहुत चीज ऐसी है कि हमें ये करना है, हमें वो करना पड़ेगा. इट इज अ सिंपल थिंग व्हाट यू आर ईटिंग. तो बेसिकली एक चीज है, एक क्वोटेशन भी है कि आवर बैड हेल्थ इज बिकॉज ऑफ आवर बैड हैबिट्स. सिंपल सी बात ये है, अगर हमारी हैबिट्स ठीक रहेंगी तो हम डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल भी ठीक रहेगा और हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी. अगर हमारी वही हैबिट्स अच्छी नहीं है, हम लोग खाना प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग लॉट ऑफ जंक फूड्स ले रहे हैं, वी आर डूइंग स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं एक्सेस में, हमारा ऑयल्स ठीक नहीं यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल. दैट विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स आल्सो, वी हाउ व्हाट वी कैन डू एंड हाउ इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ आवर हार्ट. सही डॉक्टर साहब. और जब हम, आपने डॉक्टर साहब अभी स्मोकिंग की जब बात की, राइट, बिकॉज ड्रिंकिंग स्मोकिंग दीज आर सोशली कल्चरली यू नो अफेक्टिंग, मतलब लोग उसके पीयर प्रेशर में भी आ जाते हैं, उसमें भी करते हैं. सो जस्ट अ क्विक क्वेश्चन हियर, बिकॉज यू नो आई हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी यू नो हु आर इनटू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. सो अगर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की वजह से अगर उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है और अगर वो छोड़ते हैं, Do you think वो reverse होता है या जो impact पड़ चुका है वो रहेगा रहेगा? Yeah, smoking का there are lot of studies. अगर patient कोई smoke कर रहा है तो और उसको आज भी छोड़ दे, let's say, तो what studies have told, मतलब हमें क्या research में आया है कि भी within a 5 years जो उनका suppose करो आज damage हो चुका है, that can be reverse. देखो smoking के बहुत सारे side effects रहते हैं, major is the lung and the heart. तो जो हमने पाया गया कि heart का अगर patient स्मोकिंग क्विट कर देते हैं तो विद इन अ 5 years जो भी उनको हमने हार्ट की डैमेज से जो कॉर्नरीज में कोई प्रॉब्लम अभी जो प्लाक्स बने हैं दैट विल कैन बी गेट रिवर्स विद इन अ 5 years. एंड जो लंग के इश्यूज रहते हैं दैट विल सस्टेन फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 years, बट इट विल गेट रिवर्स इफ दे हैव टोटली क्विट द स्मोकिंग एंड दे हैव ऑप्ट फॉर अ गुड लाइफस्टाइल. That's amazing. So, इसमें अब बहुत से लोग कई बार गलत समझ लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है भैया फिर तुम पीते रहते हैं, जब छोड़ देंगे अपने आप ठीक हो जाएंगे, बट आई थिंक दैट कैन ओनली हैपन व्हेन इट्स नॉट टू लेट. या दैट्स ट्रू नाउ, दैट इज इट. अगर एक बार डैमेज हो ही चुके देन देयर इज नथिंग, देन वी कांट क्योर दैट, बट डेफिनेटली स्टिल वी कैन प्रिवेंट फर्दर डैमेज. अभी हम चेंजिंग फूड हैबिट्स के बारे में बात करते हैं डॉक्टर साहब, यहां पर इफेक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये सब चीजें चल रही हैं. लोगों को कुछ बेसिकली यही है जो मैं आपके हैबिट्स की बात कर रहा था कि आजकल हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है, हम हमारी हैबिट्स में ऐसा हम क्या चीज ऐसा खा रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि वी आर मोर प्रोन टू द हार्ट डिसीज, वी आर मोर प्रोन टू ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी. तो ऐसा क्या चल रहा है? देखिए, एक तो हमारी डाइट, इंडियन डाइट में रिसर्च व्हाट वी हैव फाउंड इज हमारी डाइट में सॉल्ट इनटेक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम आ सकती है और आती भी है जी. तो पहली बात तो है कि इंक्रीज सॉल्ट इनटेक बहुत ज्यादा डाइट में. दूसरा क्या, भी हमारा कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन जो वेस्टर्न है, हमारा फास्ट फूड्स में बहुत ज्यादा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और मोर ओवर एडल्ट्रेटेड फूड्स भी जो कि हमने देखा है, इनको जो मिल्क हम लोग ले रहे हैं उसमें भी एडल्ट्रेशन है, पल्सिस, मीट, फिश, वेजिटेबल्स सब में
अडल्ट्रेशन है उसकी वजह से भी ये हमें देखा गया कि हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है. और एक कैन फूड्स है, इरेटिक टाइमिंग, दैट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भी हमारी जो टाइमिंग ऑफ फूड की है वो दैट इज वेरी यू नो इट्स नॉट अ फिक्स वन. हम लोग कभी 10 बजे कुछ हम खा रहे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट एंड समटाइम्स वी यूज टू टेक एट द 10 or 11 o'clock डिनर. सो बेसिकली ये हमें एक हैबिट अपनी सुधारनी है, सुधारनी चाहिए कि जिसकी भी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि भी जिसकी वजह से हम लोग अपना ये हार्ट की प्रॉब्लम्स को प्रोन कर रहे हैं. और मोर ओवर नॉन वेजिटेरियनिज्म आ रहा है हमारी डाइट में, जो कि डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन इज बैड, बट समहाउ जो हम लोग ये रॉ फिश ये सॉरी रॉ मीट ले रहे हैं और फ्राइड चिकन फ्राइड फिश ले रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली इट विल बी अफेक्टिंग योर हार्ट. सो ये जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एंड एक जो ये स्टेटस सिंबल जो लास्ट पॉइंट इज दैट इज मेजर दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो कि हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत सारा चेंज लेकर आया है कि भी एक जो हमें लगता है कि जो वाइन पी रहा है लिकर और जो ड्रग्स ले रहा है जो स्मोक कर रहा है क्योंकि तो आजकल फैशन चल रहा है कि भी हाँ दैट इज स्टेटस सिंबल कि भी हमें हाँ वो कंज्यूम करना है. अगर एक कर रहा है तो आई कैन ऑल्सो टेक दैट. सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स कि भी जो हमारी फूड हैबिट्स में चेंज हुई है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही. और वैसे भी इवन यू नो ये तो हम अपनी इंटरनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, इवन फॉर बॉडी बिल्डिंग पहले ना प्रोसेस कुछ और था, थॉट कुछ और था. नाउ इवन बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं जो जो ट्रेनर्स हैं वो भी ये बताते हैं कि एक्सरसाइज आप दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे मैक्सिमम करते हैं, उसके अलावा क्या ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को बिल्ड करती है या मेंटेन करती है, एंड दैट इज आवर इनटेक, हमारा जो फूड है जो हम खा रहे हैं. So, similar with, you know, जैसे आपने बताया कि जो हमारी इंटरनल हेल्थ है उसको भी अगर मेंटेन रखना है और सही रखना है बरकरार रखना है तो उसके लिए हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, जो हमारी उठने बैठने की जो हमारी आदतें हैं उनको कंट्रोल करना सही करना बहुत जरूरी है बिफोर इट्स टू लेट. एंड नाउ द इफेक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डाइट एंड एक्सरसाइज ऑन ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर का मामला आगे बड़ा सा यहाँ पर आ गया है. एक मिनट डॉक्टर साहब, सॉरी, दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं डाइट एंड एक्सरसाइज. व्हाई आई एम पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन दिस बिकॉज यही दो चीजें अगर आप डाइट और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप मेजोरिटी 90 to 95% आप हेल्थी रह सकते हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? बेसिकली क्या है कि भी आपका ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल रहेगा अगर आपका डाइट ठीक है, अगर आप सॉल्ट इनटेक कम कर रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे व्हाट स्टडीज हैव शोन कि भी आपका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हैं वो ऑटोमेटिकली 5 to 10 mm ऑफ मर्क्यूरी वो कम रहते हैं विद रेगुलर एक्सरसाइज. अब नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताऊंगा क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए. तो गो बैक प्रीवियस स्लाइड. या सो और क्या फायदे हैं लाइफस्टाइल मतलब डाइट और एक्सरसाइज, उसमें हमें और क्या फायदे? देखो उससे हमें क्या है, हम ओवरवेट नहीं हो पाएंगे, हमारी ओबेसिटी नहीं आएगी. वाई अगर ओबेसिटी आती तो पेशेंट उसमें हमें क्या नुकसान है उसके देखो उसमें क्या रहता है कि पेशेंट दे आर मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन, अगेन हाई ब्लड प्रेशर रहता है, दे आर मोर प्रोन टू इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है और उनका कार्डिक जो रिजर्व होता है ना जो कार्डिक रिजर्व जो की कैपेसिटी होती है वो भी ओबेसिटी में एज कम्पेयर टू जो हमने देखा कि हेल्थी पर्सन है जो फिट पर्सन है उसमें कम रहता है. सो एक तो ये चीज है. अदर इज क्या है कि जो अगर आप डाइट प्रॉपर दे रहे हो, अगर आप क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर रहे हो, जो आपकी हेल्थ की डिसीज जैसे हाइपरटेंशन आना है, जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं वो बेसिकली वो बहुत हमने देखा है कि बहुत डिले हो जाते हैं और बहुत कम ही लोगों में मतलब भी वो रिस्क पाया जाता है. सो मेन फोकस इज भी अगर हम अपना डाइट और एक्सरसाइज अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली वी कैन कीप आवरसेल्फ हेल्थी एंड वी कैन लिव लॉन्ग लाइफ. दैट इज चलिए हम अभी ये तो हमारी ये चीजें होगी, इसके बाद हम आई थिंक हमारी एक्सरसाइज का भी कुछ मामला हमारे सामने दिखा रहे हैं इसके बाद. या सो बेसिकली नेक्स्ट मैं वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हाउ टू कीप. नाउ अभी तक तो मैंने ये डिस्कस किया है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से हार्ट इफेक्ट होगा एंड हाउ वी कैन हाउ आवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विल हेल्प अस. नाउ हमने ये देखना है कि व्हाट आर द एक्चुअल जो थिंग्स हैं जिससे हम अपना हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं. सो वो चीजें वो जो है वो नेक्स्ट कुछ 5-10 जो थिंग्स दैट वी आई कैन डिस्कस नाउ. फर्स्ट वन इज अ एक्सरसाइज. सो चलिए या नेक्स्ट. सो एक्सरसाइज में क्या है कि भी देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें ये रहता है कि भी हमें बहुत से पेशेंट आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि हार्ट के लिए हेल्दी और कितने हाउ मच टाइम वी हैव टू गिव टू दिस.
तो बेसिकली देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, तो जो गाइडलाइंस हमें कहती हैं, जो रिसर्च आई है कि अगर आप 30 to 60 minutes पर डे करते हो और 5 days इन अ वीक भी करते हो एक्सरसाइज, तो आप ठीक रहेंगे, आपका जो ये है जो हार्ट की मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहेगी, इट वॉन्ट गेट वीकेंड, और आपका जो स्टेमिना वो बनेगा, कार्डिक रिजर्व बढ़ेगा। तो वो जो एक्सरसाइज होती है वो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में ही 2 घंटे कर दी या 3 घंटे कर दी, अगले दिन आप नहीं कर रहे हो, इट शुड बी अ रेगुलर, यू शुड फॉलो इट इन अ रेगुलर वे। और कौन सी एक्सरसाइज, वो सिंपल वॉक जॉगिंग से भी शुरू हो सकती है, और एरोबिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है, साइकिलिंग भी हो सकती है, स्विमिंग भी हो सकती है। बट बेसिकली हमें क्या देखना है एक्सरसाइज में, अगर तो आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, हाँ स्वेटिंग जी, आपको आ रही है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए हार्ट रेट, लाइट सी स्वेटिंग हो रही है, या थोड़ा सा आपको लग रहा है मेरे को सांस का भी आ रहा है, तो इट मीन्स वो आप ठीक कर रहे हो, उस एक्सरसाइज को ठीक कर रहे हो। अगर आप लोग लग रहा है कि मेरा बिल्कुल थोड़ी सी एक्सरसाइज ही करके, थोड़ी सी जॉगिंग करके मेरे को सांस की दिक्कत है, डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट योर हेल्थ हेल्थ डॉक्टर। तो ये चीज है एक्सरसाइज का। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या इसमें बेनिफिट्स कह रहे हैं, जैसे कि मैंने बता रहा हूँ कि इससे क्या आपकी हार्ट की जो पंपिंग है, हार्ट की जो मसल्स है, लंग्स की जो पंपिंग कैपेसिटी है, लंग्स का जो ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी, वो बहुत इंप्रूव हुई, उससे क्या, एक तो ये चीज है, इट विल डिक्रीज योर रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, इट विल डिक्रीज योर बॉडी फैट, डेफिनेटली इफ यू आर एक्सरसाइज यू आर गिविंग टाइम टाइम टू योर बॉडी, डेफिनेटली यू वॉन्ट गेट ओबीज। और उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कोलेस्ट्रोल, जो कि हमें देखा गया है कि कोलेस्ट्रोल कई तरह के होते हैं, एक होता है बैड कोलेस्ट्रोल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रोल। जो बैड कोलेस्ट्रोल होता है, जिसे हम टोटल कोलेस्ट्रोल, एक एलडीएल एलडीएल बोलते हैं, हमने क्या पाया गया, जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी बॉडी में उसकी अमाउंट, जो मात्रा है, वो डिक्रीज हो जाती है विद एक्सरसाइज, और इट स्टार्ट कंज्यूमिंग, और बनना भी वो कम हो जाता है। और जो गुड कोलेस्ट्रोल, जिसको हम एचडीएल होते हैं, वो हमारी बॉडी ज्यादा बनाना शुरू करती है। तो ये बेसिकली चीज है, और हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है, इट इंक्रीज टॉलरेंस टू अवर स्ट्रेस, एंड इट विल डिक्रीज अ डिप्रेशन। डेफिनेटली इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन योर बॉडी, यू आर रिलैक्सिंग, यू आर डूइंग एक्सरसाइज, इट विल डिक्रीज अ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, इट विल डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम द थिंग्स, फ्रॉम बैड थिंग्स टू द गुड वन। सो एंड मोर ओवर, इट विल कंट्रोल, इट विल हेल्प यू इन कंट्रोलिंग योर डायबिटीज, एंड इट विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ ऑर्थोपेडिक इंजरी। तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सरसाइज ओवरऑल। इट इज नॉट ओनली फॉर द हार्ट, इट इज फॉर एवरीथिंग, एवरी ऑर्गन विच विल मेक यू विच इट विल मेक अ हेल्थ। सर कुछ ये तो चलिए एक्सरसाइज की चीजें हो गई कि अगर एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं या डाइट अच्छे से नहीं खा रहे हैं हम, हमारी हैबिट्स खराब हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सर कभी कभी सर आपको लगता है कि किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है कि इंसान सब कुछ सही कर रहा है फिर भी खराब हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है? देखिए लॉट ऑफ पेशेंट्स मैंने देखा है कि विदाउट एनी रिस्क फैक्टर्स, जिनको कुछ है ही नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, वो भी हमने देखा है, भी उनको भी प्रॉब्लम है। एंड मोर ओवर सबसे बड़ा उनका वो क्या होता है, डॉक्टर साहब हम तो हर रोज 2-2, 5-5 किलोमीटर सैर करते हैं, फिर भी हमें ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए ऐसा नहीं होता कि भी कोई भी इन चीजों से करने से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने एक बार पहले भी आपसे बात किया है, कुछ का जेनेटिक मेकअप ऐसा रहता है कि भी जिसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते, जो जीन्स होते हैं, वी आर समटाइम्स सम फैमिलीज हैव दिस इशू की भी, जो कि मोर प्रोन टू कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, तो उसको नहीं चेंज किया जाता। बट इसका मतलब ये नहीं है, कई बार कई लोग हमें डेफिनेटली ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो स्मोक भी नहीं करता हूँ, मैं तो शराब ड्रिंक भी नहीं करता हूँ, तब भी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ड्रिंक करते हैं, जो स्मोक करते हैं, वो तो अच्छे भले घूम रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, आपको आ गई है, सो ऐसा नहीं रहता। बट व्हाट आई फील इज यू शुड डू योर बेस्ट, यू शुड एटलीस्ट गिव जस्टिस टू योर बॉडी, व्हाट टू योर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि मैंने भी आ सकती है। मैंने किस्मत की बात इसलिए ही, डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि मैंने अपने मतलब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन लगाई थी, साडी बारी आई पतीला करके, सर मेरी बारी में बैटरी खत्म हो गई सर, वेस्ट हो गया मेरा ये मशीन लाना। अच्छा सर अभी थोड़ा सा टाइप ऑफ फूड के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब हमारे बिकॉज़ आगे हमारा कुछ माय नेक्स्ट आई विल डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ फूड यू शुड कंज्यूम, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। देखिए ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पिरामिड बनाया गया है बहुत सोच समझ के, आफ्टर लॉट ऑफ स्टडीज। तो इसमें क्या होता है, विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कोई किसी भी तरह की हो, और फ्रूट्स, इसको हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंज्यूम करना है। एटलीस्ट हमें अपनी डाइट में 2 दिन तो इनको एक मतलब दिन में एक बार वेजिटेबल और एक बार फ्रूट खाना ही चाहिए। उससे फायदा क्या रहता है, तो दीज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट दे आर वेरी रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे बॉडी के एंटी ऑक्सीडेंट्स कम करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बीपी ब्लड प्रेशर स्ट्रेस लेवल है, जो ये कॉरोनरी की हार्ट की प्रॉब्लम आती है, ये कम होती है। और सेकेंड इनमें क्या होता है कि दे आर रिच इन
पोटाशियम एंड इसमें जो सोडियम की मात्रा होती है बहुत ज्यादा कम होती है, उसकी वजह से उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हमारे नॉर्मल के उसमें रहता है, नॉर्मल वैल्यू में रहता है. सो व्हाट आई वांट टू से, कंज्यूम मैक्सिमम नंबर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एज इट विल एज बोथ ऑफ दीज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट विल बी एंड इट विल कीप योर हार्ट हेल्थी एंड मेंटेन योर ब्लड प्रेशर. अब डॉक्टर साहब, हमने वेजिटेबल तो खानी है, लेकिन हमारे घर में पुराने जमाने से क्या चलता आ रहा है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खाने को ना अच्छे से रगड़ रगड़ के बनाते हैं, सब्जियों को, हरी सब्जियों को कौन सा रंग कर देते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन अब हमारे मुंह में वो स्वाद चढ़ा हुआ है. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, खाना बहुत स्वाद बनाया जाता है हमारे हमारे यू नो हमारे कल्चर के अंदर, लेकिन किंतु परंतु डू यू थिंक कि वो ओवरली कुक फूड और यू नो कई मसालों से मिलाया हुआ फूड, क्या वो सही है? हालांकि वो मसाले जो हैं बताए जाते हैं कि दे आर रियली गुड हर्ब्स हैं वो, लेकिन कई लोग बहुत ज्यादा ओवर कुकिंग और ओवर मसालेदार बनाते हैं. इज इट ओके? देखिए, हर्ब्स को कंज्यूम दैट इज ओके, वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहते हैं, बट यू नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो हमें ज्यादा भी नहीं उसको यूज करना चाहिए. और रही ऑयल की बात, ऑयल के लिए मैं आगे आऊंगा, बट ऑयल में हमें क्या करना चाहिए, हमें पर्टिकुलर कुछ ऑयल्स ही यूज करने, हमें फ्राइड जो बार बार हमें वो एक पर्टिकुलर ऑयल नहीं यूज करना चाहिए, हमें अपना ऑयल डेफिनेटली हर टाइम चेंज करते रहना चाहिए. Wow, एंड या यस that's amazing. ये बड़ी कमाल की जानकारी अभी आपने दी है डॉक्टर साहब, बल्कि very rarely I've never heard about this that you should keep changing your oils. या मैं बताता हूँ क्या होता है. हमारे जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं बेसिकली वो फोर कैटेगरीज में होते हैं. एक को बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक को बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक को बोलते हैं पॉली, जिसको पूफास बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक बोलते हैं ट्रांस फैटी. मैं क्यों ये ने मैंने ये बोला है कि हमें एक बार हमने ऑयल यूज कर दिया, हमारी हमने यूज किया, इवन हमने घर में देखा है, एक बार हमने उसको ऑयल को यूज कर लिया, हम नेक्स्ट टाइम भी अगर कुछ हमने कुक करना है तो वी यू ट्राई टू यूज वही ऑयल हमें यूज पे आ जाए. तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये ऑयल एक बार पहले यूज करते हैं तो उसके ना जो फैटी एसिड वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसको हम ब्रेक होने के बाद वो बन जाते हैं ट्रांस फैटी एसिड, जो कि और भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे हार्ट के लिए. हमारे जो हार्ट के लिए जो बेनिफिट ऑयल्स हैं वो हम हमें वो बोलते हैं हम उनको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि दो तरह के होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड और जो कि पॉली अनसेचुरेटेड होते हैं. सो ये जो ट्रांस फैटी एसिड और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, जैसे जैसे कि जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिल्क ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, दे आर वेरी रिच इन सैचुरेटेड, जो कि हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक है. और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, और जितने भी ये हम लोग बेकरी के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे केक्स लेते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, बर्गर्स लेते हैं एंड फ्रेंच फ्राइज, ये जो ये बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं इनमें बहुत सारे अमाउंट में ये ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए. तो मेरा कहने के अभी अगर आप एक मिनट नेक्स्ट पेज आओगे तो उसमें मैंने लिखा, आई विल एक्सप्लेन यू लाइक दिस. ट्रांस फैट जो मैंने अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जितने भी हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, चॉकलेट्स होगी, आइसक्रीम्स होगी, कुकीज होगी, केक्स होगी, पेस्ट्री होगी, पिज्जाज होगे, जो कि हम लोग अपनी डाइट में आजकल हर रोज नहीं करते बट डेफिनेटली 2 to 3 times हम लोग कंज्यूम करते हैं. ये दीज आर वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ, दीज आर ट्रांस फैटी एसिड. आई थिंक वी शुड क्विट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ इट्स ओके फॉर एवरी वन, बट ट्राई टू कंज्यूम लेस. दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे, क्योंकि मेरे अगले हमारे भी जो पेशेंट्स आते हैं उनका सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, डॉक्टर साहब हमें ऑयल, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल हैव दिस प्रॉब्लम, भी हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है, हम तो कुछ बाहर का खा भी नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब, हम तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हमारी कोई हैबिट्स भी नहीं है, ड्रिंक भी नहीं कर रहे, देन अगेन वाई हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना हाई क्यों है? उसका रीजन है इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर होम, इनफैक्ट फ्रॉम योर किचन. हमें देखना है कि हम किचन में जो रेगुलर हम यूज कर रहे हैं हम कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं. हम अच्छा सैचुरेटेड तो नहीं यूज कर रहे हैं, हम उसको बार बार तो नहीं यूज कर रहे उसी ऑयल को, हम कौन सा यूज कर रहे हैं. बेसिकली जो हमारी गाइडलाइंस है जो कि हार्ट के लिए हमें बेनिफिट है वो हम जो ऑयल होता है दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि कई तरह के ऑयल जाते हैं. जैसे मैं मोनोसैचुरेटेड की बात करूँ, बहुत कॉमन हम ऑलिव ऑयल यूज, हमें एक पूरा एक मोशन बना हुआ है कि वी आर ऑलिव ऑयल ही यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऑलिव कीजिए वो अच्छा होता है. बट जो प्लांट्स ऑयल, जो सीड ऑयल होते हैं, जैसे सोयाबीन है, सैफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कैनोला है, सोयाबीन है, दीज ऑल आर वेरी गुड रिच इन ओमेगास एज कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल. और ऑलिव ऑयल भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑलिव ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. मैंने कहने का पॉइंट ये है कि जितने भी ये ऑयल्स हैं दे आर रिच इन अ पर्टिकुलर वन फैटी एसिड, दे आर नॉट रिच इन अ
एक क्योंकि सभी में एक ही सभी एक किसी एक ऑयल में सभी ये मात्रा हो ओमेगा 6 भी की भी हो ओमेगा 3 की. दैट्स व्हाई माय पॉइंट इज हमें अपना ऑयल बार बार चेंज करते रहना चाहिए. समटाइम्स वी यूज वी विल टेक ओमेगा 6 समटाइम्स वी हैव टू टेक दिस ओमेगा 3 और मोनो. सो हमें डेफिनेटली अपनी किचन में कभी सोया वाला ऑयल कभी मस्टर्ड यूज करना चाहिए कभी ऑलिव करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि भी हम एक ही एवोकाडो यूज कर रहे हैं ऑलिव ही यूज करते जा रहे हैं. सो दिस इज अ थिंग अगर हम ऑलिव यूज करते हैं दैट इज ट्रूली अ वेरी आई थिंक That I think that is very very beneficial, very informative information. यहाँ पर बहुत कमाल की आपने information जो ये दी है. I think बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा because lot of people what they do is they choose some kind of oil and then every week, every second week, every month जब भी grocery करनी होती है what they do is they are looking for that particular oil. वही oil वो उठाकर ले आते हैं. So मेरा कहने का मतलब my point to focus is start from your kitchen. Basically, you have to look what oil you are regularly using. Try to change it regularly and don't use it again and again. और एक बार ऑयल आपने एक 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 किसी में कुकिंग कर ली किसी ऑयल में उसको दोबारा से यूज ना कीजिए बिकॉज उस चीज में अगर उस ऑयल को आप ज्यादा यूज करोगे उसमें ट्रांस फैटी एसिड बढ़ जाते हैं. ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो अनसेचुरेटेड है इट विल देन कन्वर्ट इन टू ट्रांस फैटी एसिड्स हो जाते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल है. और दूसरी चीज दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा ट्राई टू अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स और ये जो बेकरी के प्रोडक्ट्स थोड़ा कंज्यूम कम कीजिए पीजिए बट डेफिनेटली अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको नहीं करना चाहिए. मैं ये मैं यहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करूंगा एस्ट्रोकेयर से कि कैन वी जस्ट गो बैक ऑन दैट स्लाइड बैक अगेन वो जो हमारा पिरामिड था बिकॉज आई थिंक वो मैंने ही डॉक्टर साहब को जंप करवा दिया काफी ज्यादा. उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है जो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं. आई डोंट वांट टू मिस ऑल दैट. या वेरी गुड थैंक यू. या एक ग्रेन्स अभी देखो हमारी अभी जो रिसेंट हार्ट की स्टडीज आई है हमें क्या देखा गया इंडियन पॉपुलेशन वी आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ जो चपातीज हैं मोर ऑफ राइस है जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड मोर ऑफ पोटैटोज इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हार्ट के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है. सो माय पॉइंट इज टू से अगर आपने यूज करना इसको थोड़ा और डेफिनेटली. और एक दूसरी बात क्या है कि जो हम मैदा यूज करते हैं सूजी यूज करते हैं ये नहीं करनी चाहिए. इसका कंजप्शन आप कम कर दीजिए. ब्रेड्स हैं उसका भी वो कर सकते हैं बट उसका एक लिमिट होता है हर चीज का उसी अकॉर्डिंगली आपको करना चाहिए. तो ये तो है कि कार्बोहाइड्रेट जितना आप कम लेंगे डेफिनेटली इट विल कीप योर हार्ट हेल्दी. नेक्स्ट इज जो मैंने अभी ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क किया. मैं आपकी ये बात ना थोड़ा जोरों से रिपीट करना चाहूंगा जो आपने अभी बोली है कि मैदा जो है ब्रेड्स जो है जो हम नान खाते हैं बाहर से कई बार और तो इस तरह की जो चीजें हैं ये थोड़ी कम मात्रा में खानी चाहिए. इससे हार्ट पर असर पड़ता है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज क्योंकि सर मेरी बीवी बहुत खाती है सर. सो यही है बिकॉज ये एक साइंटिफिकली अप्रूव हो चुका है. मोर यू कंज्यूम योर कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट मोर यू विल गेट ओबेस एंड मोर यू विल हैव टू फेस अ कार्डियक प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं सर. हाँ लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला कि भी जितना आप लो ये प्रोडक्ट अपना डेयरी प्रोडक्ट्स कम यूज करोगे उतना ही आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा. तो ट्राई टू कंज्यूम इट लेस एंड देन कम टू द नॉनवेज जैसे सी फूड और पोल्ट्री और मीट के लिए. देखो मैं ये कहूँगा भी मोस्ट इनफैक्ट आई एम ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन. तो मैं ये नहीं कहूँगा भी आपको नॉन वेजिटेरियन नहीं लेना है बट अगर लेना है मिनिमम हो कि भी वो फ्राइड ना हो. डोंट कंज्यूम रॉ मीट. रॉ मीट कंज्यूम नहीं करना चाहिए जैसे ये गोट है ये चीज़ें बीफ हो गया पॉर्क हो गया ये आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए. या फिश यू कैन कंज्यूम दैट इज गुड एंड दैट इज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आल्सो. जो जैसे मैंने पहले भी बात की तो फिश ऑयल इज हैविंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिस ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 एंड ऑयल्स पे हमने जो अभी और ट्राई टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ बीन्स नट्स जो कि हमारे जो जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. उसका देखो अमाउंट देन दे विल आस्क हमारा एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि भी डॉक्टर साहब कितने हमें बादाम खाने. देखो ऐसा कोई अमाउंट नहीं होता कितने खाने चाहिए बट यू शुड कंज्यूम इट इन अ नॉर्मल लाइक 5 से 7 ले लिए बट कंज्यूम इट इन अ रेगुलर बेसिस. ऐसा नहीं है आज खा लिए आज एक 20 खा लिए अब 5 दिन ना खाओ. तो यू नो दैट इज नॉट द थिंग आई वॉन्ट टू से आई वॉन्ट टू यू नो कन्वे बट द थिंग इज कि भी जो भी करना है इसको मेक इट अ हैबिट नॉट लाइक आई हैव टू फिनिश इट. जस्ट मेरे को किसी ने बोला है कि मैंने करना है आज कर दिया बस आगे से मैंने फॉलो नहीं करना. डोंट डू लाइक इट बट डू इट इन अ रेगुलर वे. थिंक लाइक यू आर डूइंग फॉर योर हेल्थ यू आर डूइंग इट फॉर योर फैमिली. एंड द लास्ट थिंग स्वीट्स. सो स्वीट्स हैं ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा स्वीट्स में क्या कुछ कोई इतना पर्टिकुलर नहीं है कि नहीं खा सकते वो आप कंज्यूम कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं. या डेफिनेटली किसी को डायबिटीज है
जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उनको थोड़ा ध्यान रखना। सो वैसे जो डायबिटिक लोग हैं, स्पेशली वो वाले डायबिटिक लोग जिनकी डायबिटीज बहुत पुरानी हो चुकी है, लाइक 20-25 साल पुरानी, और पूरी बॉडी पे उनके इफेक्ट आ चुका है, उनकी आंखों पर, उनको अर्थराइटिस हो चुका है, उनकी नर्व्स वीक हो चुकी हैं, उनको हार्ट की बीपी की मेडिकेशन लेनी पड़ती है, सो ऑल द बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड आफ्टर 25 years, 20-30 years ऑफ डायबिटीज, स्पेशली व्हेन इट इज नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपरली, राइट? तो ऐसे लोगों को आपको लगता है कि चांस लेना चाहिए मीठा खाने का या कुछ? नहीं, मैं देखो, मैं मेरा वो ही कहने का मतलब है, पहली बात तो ये प्रॉब्लम आ ही इसलिए क्योंकि आपने अपने हैबिट्स में कंट्रोल नहीं किया फर्स्ट थिंग, राइट? अगर आप स्टार्टिंग से ही, आप जैसे मेरा अभी भी देखो, मेरा पर्पस ऑफ दिस वेबिनार इज दिस टू अवेयर यू कि भी बहुत से अभी लाइफ है एंड यू शुड स्टार्ट टेकिंग मेजर्स फ्रॉम राइट नाउ, इवन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। जितना डिले करोगे उतना ही वी कांट टेल कि भी हाँ कितना इफेक्ट रहेगा। सो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको डेफिनेटली अपना रेगुलर चेकअप पे रहना चाहिए, रेगुलर आपकी फास्टिंग और जो शुगर चेक करानी चाहिए एंड ट्राई टू, ठीक है, मीठा का खाने का हर का किसी का मन करता है, कांट से मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल कंज्यूम ना करें, बट थोड़ा देख के करें भी, अगर स्वीट्स लेने भी है टेक इट इन अ हेल्दी वे एंड डोंट कंज्यूम इट इन लाइक अ बल्क भी आप खा ही जा रहे हो, कोई प्रिकॉशन ही नहीं ले रहे हो, सो दैट इज नॉट द यू नो आवर पार्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी ट्रूली अमेजिंग एंड going to say one more time, going to say thank you to all those people who are connected with us right now on different platforms. Facebook pe bahut sare group hain, Chandigarh ke aur Punjab ke, aur apart from that uske alawa outside ke bahut sare Facebook ke groups hain jisme hum jude hue, un sabhi logon ko jo jude hue hain, thank you so much to all those platforms. YouTube pe, Zoom pe bahut se log jud chuke hain, bahut se log participate kar rahe hain, sawal bhej rahe hain, please aapke sawalon ka jawab hum ant mein doctor sahab ke sath puchhenge, discuss karenge agar humne wo during the session nahi discuss kiya, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं लेकिन हमारे पास और बहुत कुछ भी डिस्कस करने को, बहुत सारे जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, सो इन केस देयर इज एनीथिंग व्हिच इज न्यू वी विल डेफिनेटली आस्क डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाइपरलिपिडीमिया, हमने इसके बारे में हल्का सा छेड़ा था, कुछ डिटेल में बात कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, देखो हाइपरलिपिडीमिया वही मैं बता रहा था अभी आपका, इसको क्या, जिसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बीमारी को बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया, वो उसमें 3-4 तरह के जो होता है कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल बोलते हैं और टोटल कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल बोलते हैं। सो जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखो, एक तो अपना जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी, आपको अपना पहले वेट कंट्रोल करना है। अगर आपका, आपको लग रहा है कि आपका बीएमआई ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स ऑन योर वेट फर्स्ट, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज and then you should consume low calorie and low fat diet. Low fat diet, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि oils कम use कीजिए, dairy products कम use कीजिए, low calorie में जैसे carbohydrate का जो सेवन है थोड़ा कम कीजिए, and trans fatty acids जो कि मैंने डिटेल में बात की है कि भी its intake should be very low and you should almost stop taking अगर जिस patients को hyperlipidemia है. Dietary fiber, you should start consuming nuts, beans, curd, जिसकी fruits, वेजिटेबल जिसकी वजह जिसमें भी फाइबर ज़्यादा होता है, कि जो कि हमारी ये जो अगर किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, जो कि सो डैट वी इट विल गेट एक्सक्रीटेड थ्रू अवर स्टूल्स। सोया प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी के लिए हेल्थ है, तो उससे भी हमने देखा है कि हमारा लिपिड, ये कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जिसको प्रॉब्लम है वो कम होती है। इवन मॉडरेट फिश कंजप्शन विल डिक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। एंड रेस्ट तो देखो, अगर इन चीज़ों से, अगर आपके डाइटरी हैबिट से, एक्सरसाइज से ये चीजें नहीं कंट्रोल, देन डेफिनेटली वी हैव टू पुट ऑन ड्रग्स जो कि स्टैटिंग से अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि जिसको हमने देखा, हमारा ट्रायल रहता है पहले 3 महीने का, वी यूज टू गाइड कि भी आप अपना थोड़ा लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कीजिए, वेट कम कीजिए, ऑयल कंज्यूम कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर उसके बावजूद भी 3 महीने का हम ट्रायल के बाद भी अगर उनका डेफिनेटली अगर ये कोलेस्ट्रॉल नहीं कम होता, देन डेफिनेटली देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट कि वी हैव टू स्टार्ट द ड्रग्स। डॉक्टर साहब, अभी ऐसा है, अभी मैं यहाँ पर ना बताना चाहूंगा कि एक गाना भी है और हम इस्तेमाल वो यूजुअली नॉर्मली लाइफ स्टाइल में भी पार्टीज में भी बात करते हैं कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। तो अभी कोई पीने वाला इंसान है, वो बेचारा चिंतित हो गया है कि उसके पीने पर रोक लग रही है, वो ये पूछना चाहते हैं कितना यूनिट जो है वो पिया जा सकता है अल्कोहल कंजम्पशन, विच इज ओके। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, अल्कोहल चाहे थोड़ी पियो चाहे ज्यादा पियो, इट विल बी इंजरियस टू योर हेल्थ। ये जो पहले नोशन था कि भी
थोड़ा कंजप्शन अल्कोहल का अगर लेते हैं तो हमारी हेल्थ में वो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट. बट दिस आल्सो रिसेंटली स्टडीज हैव प्रूवन कि भी आप कुछ भी अमाउंट लीजिए अल्कोहल का, डेट विल बी इंजूरियस. तो मैं ये चाहूँगा भी हाँ, एक स्टिल अभी एक सेफ लिमिट हमारी जो है, हमारे साइंटिफिक जो है रिसर्च में एक लिमिट सेट की हुई है, दैट इज वन ड्रिंक फॉर अ फीमेल पर डे एंड टू ड्रिंक्स फॉर अ मेल पर डे दैट यू कैन कंज्यूम. अब वो ड्रिंक का मतलब ये नहीं है कि आपके 100 ml वाले आप पैक बनाओ, सो दैट इज नॉट द फंडा. सो यू शुड बी मतलब इफ यू वांट यू कैन टेक, बट इट शुड बी इन अ मिनिमम अमाउंट. सो स्पेशली फॉर ऑल द एनी पंजाबीज इन द हाउस, दिस इज नॉट अबाउट पटियाला पैक एट ऑल. पटियाला पैक, या डेफिनेटली, या ऑल राइट डॉक्टर साहब, हमने हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं यहाँ पर. अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्मोकिंग के बारे में, हमने स्मोकिंग के रिस्क हमने कवर किए हैं, बट वी यू नो वी डू हैव सम मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हियर. अगर हम आगे बढ़ेंगे आफ्टर हाइपरलिपिडेमिया, आई एम गोना रिक्वेस्ट द टीम टू लुक एट द पीपीटी एंड लुक एट द प्रेजेंटेशन आफ्टर ऑल दीस, बिकॉज डॉक्टर साहब इसके ऊपर कुछ कवर करना चाहेंगे आपकी द रिड्यूस लाइक कोई वन टीम बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था हमारी चेंजिंग हैबिट्स में, मैंने बोला था इनिशियल की भी हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो कि हमारे इवन यंग पेशेंट को हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है. तो हमारे पे हमारे जो पेशेंट है बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो सॉल्ट ऐसे एक्स्ट्रा खा ही नहीं रहे हैं, तो मतलब फिर भी हमारा बीपी बढ़ रहा है, ये ऐसा क्यों होता है, क्या है? देखिए सॉल्ट इनटेक ऐसा नहीं है कि भी आप एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐसे अगर खाओगे तो होगा. तो बेसिकली जो हमारे नॉर्मल जो हमारे जो डेली कंज्यूमेबल्स हैं, जैसे कि हम लोग कुछ फ्राइड फूड खा रहे हैं उसमें भी सॉल्ट होता है, जो हम पिकल्स ले रहे हैं सॉल्ट में, जैसे पापड़ होता है, चिप्स होते हैं, चटनी. हमने क्या देखा कि हमारे अभी जो पॉपुलेशन है, हमारे ये यंगस्टर्स हैं जो हमारे घर पे हैं, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से कि हमने देखा कि यंग जो लाइक इवन 20-30 ईयर्स की भी जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी एज पॉपुलेशन है, उनको भी इवन दे आर कमिंग टू दैट लेवल बॉर्डर लाइन हाई, जिसको बोलते हैं हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर, उसमें रेंज में आ रहे हैं. उसका रीज़न यही है कि भी हम लोग ये जो हमारे पिकल्स पापड़ जो ये चटनीज खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, उनका कंज्यूम हमारा ज़्यादा है. तो हमें एक सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा देखो जो आइडल होता है कि हमें एक टीस्पून फूल ही लेना चाहिए सॉल्ट का पूरे डे में, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो भी हम लोग दाल बना रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए. और अगर ले भी रहे हैं तो आई थिंक वी कैन एटलीस्ट अवॉइड दीज पिकल्स पापड़ चिप्स चटनी, जो कि एक एक्स्ट्रा सोर्स है, जो नमकीन हम खाते हैं, वी कैन अवॉइड दैट. वेबिनार्स के थ्रू और हम लोग जुड़ रहे हैं लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन आउटसाइड हम रूबरू नहीं हो पाते, आस पास नहीं बैठ रहे, अवॉइड कर रहे हैं. हम सोच रहे हैं कि यार इंटरनेट और ऑनलाइन के जरिए हम बातचीत करें और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, बिकॉज वो पहुंचानी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग घर में बैठे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो पा पा रहे हैं. और बड़ा मजा आता है क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मेरे घर में भी पहुंच रही है, राइट? तो मैं मेरे को तो सुनती हो जी चिप्स नहीं खाने चाहिए, सॉरी. तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो और लोग पैकेट भर के चिप्स खाएं, अच्छी बात है सर. नहीं देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि भी जिनको प्रॉब्लम है ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की और उसके बावजूद भी ये लोग, तो हमारे पास पेशेंट इसीलिए आते हैं भी डॉक्टर साहब आपने तो हमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी चल रही है, हम लोग तो मेडिसिन भी टाइम पे खा रहे हैं, देन अगेन स्टिल अवर ब्लड प्रेशर इज हाई. तो भी डॉक्टर अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर हम मेडिसिन के बावजूद भी इफ यू आर कंज्यूमिंग दिस चिप्स खा रहे हो, चटनी खा रहे हो, भर के सॉल्ट ले रहे हो डाइट में, देन व्हाट मेडिकेशन, हाउ इट विल एक्ट. तो द पर्पस वही एक बेसिकली जो रूट कॉज है, अगर हम उसी को दूर नहीं करेंगे, हम मेडिकेशन देते रहेंगे, देन वी कांट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस. मेरा पर्पस ही पहले भी यही था बिगनिंग से ही, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, कंट्रोल योर डाइट, टेक लेस कंज्यूम सॉल्ट इनटेक, अवॉइड जंक फूड्स, प्रॉपर, दीज आर द बेसिकली थिंग्स. अगर ये आप नहीं करोगे, आपको सिंपल आप ये समझोगे भी हमें तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दे दी है बस, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, घर पे बैठो दवाई खाओ और हम ठीक हो जाएंगे. लिबर्टी एंड फ्रीडम, दे कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं. बट अभी आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छी बात है.
कि अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको साथ साथ में परहेज भी करना पड़ेगा, वरना मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली. डॉक्टर साहब, स्मोकिंग एंड हार्ट अटैक्स, इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा हल्का सा टचअप कर लेते हैं. या देखिए, स्मोकिंग एंड हार्ट अटैक बहुत ही डेंजरस है, जो कि हमने देखा गया है. जितनी भी हमारी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डेथ्स होती हैं, जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, इवन इनफैक्ट हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी फेलियर है, हमने जो देखा है, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, सो स्मोकिंग इट विल अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 20-30% ऑफ ऑल दिस. और इसका जो है रिस्क ऑफ जो हमारी हार्ट की डिसीज है, जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने बोला था ऑलरेडी, मैंने पहले भी आपको बोला था, अगर हम स्मोक को क्विट करते हैं, आज भी हम लोग सपोज करो जो पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीप ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको और चलने में दिक्कत आती है, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज है, आज भी अगर वो लोग छोड़ते हैं इसको, स्मोकिंग को क्विट करते हैं और अपना रेगुलर लाइफ सेट करते हैं, तो विद इन अ 12 months, विद इन अ ईयर, वो अपने 50% इट विल गेट रिवर्स, एंड बाय विद इन अ 5 years टोटली दे विल रिवर्ट, दे विल कम टू द योर यू नो नॉर्मल जो थिंग्स, जो अगर आप कहो कि नॉर्मल है उनकी बॉडी, जो अपना सिस्टम, जो बॉडी के ऑर्गन्स है, वो नॉर्मल रिवर्ट बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट विद इन अ 5 years. सो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज भी इट्स नेवर लेट टू क्विट द स्मोक. कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई अब तो हमने कर चुके हैं इतनी, अब तो हमें छोड़ देंगे तो हमें क्या होगा, अब तो वो हो ही चुका जो डैमेज, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो मोर ओवर हमने क्या देखा है कि भी जो भी मैंने आज जैसे पहले बताया था, इंडिया में यंग MIs दैट इज बीन इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन. उसका वन ऑफ द रीजन मैंने आई टोल्ड, वन वाज द स्ट्रेस, एंड अदर द रीजन इज दिस स्मोकिंग, जो कि एक अपना सोशल स्टिग्मा भी है, सोशल एक वो भी है अपना दिखावा जिसको बोलते हैं, हाँ. या भी हमें हाँ स्मोक कर रहे तो वी आर लाइक यू नो वी बिलोंग टू अ गुड इंटेंशन, ये रहता है बेसिकली ये चीज. तो आई विल से इट इज वेरी इंजुरियस टू योर हेल्थ, इट्स नेवर लेट टू क्विट स्मोक. जब भी आप इनको छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, जिनको भी प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक चीज है स्मोकिंग. इवन इट्स नॉट लाइक यू शुड नॉट स्टैंड विद अ पर्सन हु इज स्मोकिंग, जिसको हम बोलते हैं कि जो आप नहीं कर रहे, दूसरा बंदा जिसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, वो मोर डेंजरस, बिकॉज जो स्मोक कर रहा है, जिसको हम एक्टिव स्मोकर बोलते हैं, ही विल एक्सहेल दीज ऑल दीज थिंग्स जो छोड़ते हैं. बट द अदर वन हु इज स्टैंडिंग विद हिम, हु इज स्टैंडिंग बाय साइड बाय हिम, वो will become a passive smoker, जो कि वो इसको सारा inhale करेगा, so that will be more dangerous, उसके लिए वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है. तो मैं यही कहूँगा, जो भी स्मोक करता है या उसके साथ भी ना खड़िए, या उसे उसके साथ बिल्कुल भी आप वो ना कीजिए. अपनी आदत को धुएं में जो है वो धुएं की तरह उड़ा दीजिए, आदत को उड़ा दीजिए और छोड़ दीजिए, एंड देन लाइफ इज ऑल सेट. डेफिनेटली हेल्दी लाइफ का ना मजा ही अलग है. बीमार पड़ने के बाद ये इंसान को बहुत बार, कई लोगों को पता चलता है, एहसास होता है जब वो बीमार पड़ते हैं और उसके बाद जब वो ठीक होते हैं, देन दे वैल्यू कि वाओ, यू नो दैट वाज नॉट गुड व्हाट आई थिंक, बट नाउ इट इज गुड. बट लॉट ऑफ टाइम्स हमें रिवर्स करने का मौका भी नहीं मिलता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हमें लाइक इट इज़ वेरी इजी टू से यू शुड क्विट स्मोकिंग टुडे, बट जो हमने देखा जो चेन स्मोकर्स होते हैं, क्रोनिक स्मोकर होते हैं, इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि वो नहीं छोड़ पाते, दे हैव अ विड्रॉल सिम्पटम, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नेक्स्ट दे विल कम बी डॉक्टर साहब, ठीक है हम छोड़ देते हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है, बट हम क्या करें, हम छोड़ ही नहीं पाते भी, हमारी बॉडी तो हमसे रहा ही नहीं जाता. तो देखिए उसके लिए यही है, उसके लिए पूरा फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. एक अकेला बंदा इसको नहीं वो कर पाएगा, तो पूरा फैमिली सपोर्ट चाहिए, एक होनी चाहिए आपके पास. यू शुड उसको, आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखना पड़ेगा, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी हैबिट्स चेंज करिए, जो आपका एक नॉर्मल जो आपके वो होता है, आपका जो टाइम है उसको थोड़ा म्यूजिक में लगाएं, थोड़ा बाहर जाएं, लोगों से मिलें. एंड अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि भी नहीं, मैं नहीं क्विट कर पा रहा हूँ, मुझे अभी भी क्या कहते हैं उसका आ रहा है कि आई शुड कंज्यूम दैट, मुझे करना चाहिए स्मोक, क्रेविंग हो रहा स्मोकिंग का, तो डेफिनेटली देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक निकोटीन गम यू कैन टेक, दैट इज द वन थिंग. और उससे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली यू हैव टू सीक मेडिकल अटेंशन. ऑलराइट सर, डॉक्टर साहब, अभी बिकॉज़ यू नो वी आर जस्ट रनिंग लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम हियर आई थिंक, सो हम थोड़ा सा वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रेस जो है और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है इसके बारे में बातचीत करते हैं. देखिए स्ट्रेस है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर नाउडेज, हमने देखा नॉट ऑफ पेश, हमने नॉर्मल भी देखा कितने सुसाइड पीस हो रहे हैं,
और कितने मेजोरिटी ऑफ द लाइक आई विल से यंग पॉपुलेशन इज अंडर स्ट्रेस, मतलब काम भी कर रहे हैं स्टिल हमें हर चीज का स्ट्रेस रहता है, दे आर नॉट गिविंग टाइम टू आवर हेल्थ आवर फैमिली मेंबर्स, इसका आई थिंक थोड़ा सा डॉक्टर साहब के साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया आई थिंक नेटवर्क का. डॉक्टर साहब अगर आप चेक करें थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया यहाँ पे, इफ यू कैन रीकनेक्ट मे बी. बट अमेजिंग अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज कमिंग ऑन आवर वे, बहुत कमाल की जो इन्फॉर्मेशन है हमें आज मिल रही है यहाँ प्राप्त हो रही है. और आई थिंक इस तरह के वेबिनार रियली इंपॉर्टेंट, और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अवेयरनेस, लोगों तक बात पहुंचनी बहुत जरूरी है. गूगल में सब कुछ लिखा होगा लेकिन ढूंढेगा कौन, आप क्या उसे ढूंढेंगे? हेलो, ढूंढने जाएंगे? सॉरी, देखो डॉक्टर साहब इज बैक. या समथिंग आई डोंट नो, सम नेटवर्क इशू वाज देयर. या सो वी आई वाज टॉकिंग अबाउट मेंटल साइंस. मेंटल साइंस में क्या रहता है कि भी हमारा हम भूलना शुरू कर देते हैं, हम लोग पूरा डिफिकल्ट, मतलब हमें डिसीजन नहीं ले पाते, इतनी चीजें हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इमोशनल साइंस होते हैं, एंग्जाइटी, एंगर, हमें गुस्सा आता रहता है, डिप्रेशन में कुछ भी, कोई भी नॉर्मल काम भी हो हम उसको बुरे एग्रेशन से करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है. सो दीज आर द बेसिकली थिंग्स दैट दैट ऑल आर द बेसिकली साइंस ऑफ स्ट्रेस. सो अब ये आता है कि इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, व्हाट थिंग्स वी शुड डू. वही टाइम में मैं यही बताऊंगा कि जो स्ट्रेस है आप अपना ट्राई टू, मतलब डू, एक तो अपने जो है काम में है उसको थोड़ा अपने इजी कीजिए, थोड़ा आपके हेल्थ में अपना टाइम दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ट्राई टू टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, ट्राई टू टॉक योर फ्रेंड्स, थोड़ा इस तरीके से ही, दीज आर थिंग्स विच वी कैन डू टू रिलीव अवर स्ट्रेस. अभी अभी कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ना ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाए, कहीं मैं फिलोसफी में ना चला जाऊं, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर. आई रियली बिलीव इन दोज थिंग्स, यू नो, बिकॉज अगर हम अपना माइंड अगर थोड़ा सा शांत रखें एंड यू नो अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ग्रीड्स एंड स्टिक टू द नीड्स, सो बहुत सी प्रॉब्लम्स वहां से भी हल हो जाती है, यू नो, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली काफी कम हो जाता है. बट ह्यूमन नेचर बन चुका है, हम ना नीड्स से ऊपर भाग रहे हैं, ग्रीड्स के पीछे बहुत भागते हैं, तो कहीं उसकी वजह से भी शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारे यहाँ पे. एंड डॉक्टर साहब ये ऑर्गन डैमेज की तरफ जरा जाते हैं, क्योंकि एक सवाल जो है हमारे Q&A में भी आया हुआ है. वैसे मैं Q&A एंड में टच करना चाहता था, लेकिन देयर इज समबडी हु इज आस्किंग अबाउट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक. और क्योंकि हमारे आगे ऑर्गन डैमेज की बात आ रही है, तो मुझे लग रहा है आप यहाँ पर वो जवाब दे पाएंगे. देखिए, अगर हम बात करें स्ट्रोक और हार्ट अटैक, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बेसिकली इट इज अ ब्लॉकेज ऑफ द एनी आर्टरी, ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी विच इज प्लाइंग द हार्ट. तो वो कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था, एकदम से नहीं होगा, वो पहले फैट डिपॉजिट शुरू होता है और एकदम से नाड़ी फट के फिर क्लॉट बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की मसल वीक हो जाती है और हमें चेस्ट पेन आता है, उसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की मसल वीक होती है. स्ट्रोक इज अ डिफरेंस. स्ट्रोक क्या होता है कि अगर यही क्लॉट, अगर देखो मेजोरिटी ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक इज दिस कार्डियक रिलेटेड. क्या होता है कि कई बार हमारे हार्ट में क्लॉट होता है जो कि हमारी ब्लड जो कि हमारे हार्ट से निकलकर दिमाग में चले जाता है, तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे एक पैरालाइज का अटैक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक. देखो वो भी उनके मोस्ट कॉमन कॉजेज में कार्डिक में क्या रहता है, हाई ब्लड प्रेशर. इन पेशेंट्स का अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है क्रॉनिक, और जो मेडिसिन नहीं खा रहे हैं और हार्ट का प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स को ही ब्लड, what they have seen is seven times more prone to this stroke, जिसको हम ये बोलते हैं paralyzed कहते हैं. So these both terms are different, but the root cause is same. Like high blood pressure, it can cause both heart attack also, and it can cause stroke also. That is. All right. I think यहाँ पर डॉक्टर साहब कुछ और कवर करना चाहेंगे अब about the organs damage के ऊपर. देखिए blood pressure की बात कीजिए, देखो इसमें क्या रहता है कि majority 25-30% हमारी जो पॉपुलेशन है, नाउ वी आर फेसिंग दिस हाइपरटेंशन, 25-30% ऑफ आवर पॉपुलेशन. तो उसमें क्या है कि भी उसका रीजन यही है कि भी हमारी हैबिट्स नहीं अच्छी, अवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल. और हमने क्या देखा, इट इज अ बेसिकली हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर भी, एकदम से हमें, हम यूजली हमारी हैबिट करके हम चेक ही नहीं कराते अपना ब्लड प्रेशर,
वो हम तब करवाएंगे जब हमें प्रॉब्लम आएगी. प्रॉब्लम कैसे आएगी, लाइक जस्ट आई हैव सीन दिस दिस ब्यूटीफुल स्लाइड, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्लाइड वी शोड. भी प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, वन एक तो स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, तब हमें पता लगेगा भी जी हमारा ब्लड प्रेशर इतना हाई था एकदम से हमें अधरंग हो गया, या फिर हमें आई की प्रॉब्लम आने की शुरू हो जाएगी, आई की विजन कम हो गई है, आई हमारी जो आंखें हैं हमारी उसमें रेडनेस ज्यादा शुरू हो गई है, मतलब ये चीज हमारा हेडेक होना शुरू हो गया है. और तीसरी क्या चीज है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर हो सकता है या किडनी फेलियर हो सकता है. बेसिकली यही चीजें हैं कि भी दैट्स व्हाई एक हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, कि भी हमें पता ही नहीं होता हमें ब्लड प्रेशर है, हमें पता तब चलता है जब ये ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं जो कि ऑल दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. सो हमें अपना रेगुलर ब्लड चेकअप कराना चाहिए. और वो कैसे ब्लड, इवन देखो हमें तो हम ये कहते हैं कि आप घर पे नाउ डेज व्हाट आवर गाइडलाइंस है कि होम बीपी मॉनिटरिंग इज द बेस्ट वन. बिकॉज जब क्या होता है, कई पेशेंट्स जो होते हैं जब वो हॉस्पिटल आते हैं डॉक्टर से मिलते हैं उनको थोड़ा टेंशन की वजह से, नर्वसनेस की वजह से भी बीपी हाई रहता है, जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं. सो उन पेशेंट में क्या फास्टली बीपी हाई आ जाता है, तो कई बार हमें बीपी का मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं. तो वो ऐसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम तब हम ही बोल इसलिए हम बोलते हैं भी आप घर पे रहिए, घर पे ही वो याद इस वक्त घर पे ही रहिए और घर पे अपना होम जिस बीपी चेक कीजिए. वो कैसे करना चेक होता है, चेयर पे आराम से कीप योर आर्म एट द रेस्ट ऑन अ टेबल. आप एक शांत से रूम में बैठना होता है. सिट क्वाइटली फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स. डोंट कंज्यूम या जस्ट लाइक यू आर सिटिंग यू आर डूइंग या गुड. एंड डोंट कंज्यूम, यू शुड नॉट कंज्यूम एनी स्मोक, मतलब ड्रिंक टी कॉफी हाफ एन आवर बिफोर मेजरिंग योर ब्लड प्रेशर एंड स्मोक. तो उसका जैसे एक बीपी का रीडिंग ले लिया, एटलीस्ट यू शुड टेक 3 BP readings 5 मिनट्स अपार्ट. उसका जो एवरेज होगा दैट विल बी योर ब्लड प्रेशर. एंड योर बैक एंड योर लेग्स शुड बी इन अ रिलैक्स पोजिशन. दिस इज द आइडियल वे टू चेक बीपी. डॉक्टर साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल आज के जमाने में दो जैसे मेरे पास भी मशीन है यहाँ पर. एक्चुअली वन टाइम मुझे एक्चुअली डॉक्टर के क्लिनिक में जाके दिखाना पड़ा, चेक करवाना पड़ा, बिकॉज क्योंकि इतना हाई ब्लड प्रेशर ये शो कर रही थी मशीन. एंड मे बी यू नो आई वॉज नॉट डूइंग इट करेक्टली, या हो सकता है कि शायद मैंने कुछ एक्टिविटी की जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी ब्लड प्रेशर हाई शो कर रहा था. क्लिनिक में जब गया वहां पर इट ऑल वॉज नॉर्मल. तो मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि क्या मैं सही तरीके से नहीं इसको मैं कर पा रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ. तो आपने बिल्कुल सही बताया कि ये सब चीजें जो है फॉलो करनी चाहिए. और होता है अक्सर कि मैं जब 5 मिनट के बाद चेक करूंगा मेरा अलग ब्लड प्रेशर आ रहा है, मैं 5 मिनट के बाद चेक करता हूँ मेरा अलग ब्लड प्रेशर आ रहा है. मैं इसीलिए मैंने बोला है यही मैं बता रहा हूँ. तो आपने क्या कहते हैं कि एवरेज ऑफ 3 readings लेना है, तो कैसे चेक करना है, एटलीस्ट पहली रीडिंग चेक की आपने तो उसके 5 मिनट बाद उसको डीप जो कफ है उसको डीप रीड कर दीजिए. तो अगेन 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट यू शुड अगेन चेक योर ब्लड प्रेशर. अगर तो उन दोनों की रीडिंग में 5 से 10 तक का डिफरेंस है देन इट्स ओके फाइन. अगर उस रीडिंग्स में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है देन यू हैव टू टेक अनदर थर्ड रीडिंग आफ्टर 5 मिनट्स. तो उन तीनों का एवरेज का जो 3 readings का जो आपका ब्लड प्रेशर बताएगा दैट विल बी योर एक्यूरेट ब्लड प्रेशर. वैसा नहीं. डॉक्टर साहब वेरी क्विकली लेट्स टच द नेक्स्ट टॉपिक हियर. हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज डायबिटीज मेलिटस. ये इसको जरा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा क्विकली, उसके बाद आजकल वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर. आजकल के सबसे बड़े ये एक यू नो इंडिया हैज बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज मेलिटस नाउ इन द वर्ल्ड, बिकॉज लाइक एवरी वन इन अ फोर्थ पेशेंट विल हैव दिस डायबिटीज. इसका रीजन यही है कि हमारी जो पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ बैड हैबिट्स की वजह से है, ओबीज है, दीज आर द टू मेजर रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग है एंड ओबेसिटी है. एंड द अदर फैक्टर इज द फैमिली फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री. अगर किसी पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री ऑफ यंग मतलब भी डायबिटीज की, दीज आर द बेसिकली पॉपुलेशन जिनको ज़्यादा खतरा है कि अर्ली डायबिटीज जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस. सो इनका हमें बहुत से ध्यान रखना पड़ेगा. हम अगर जिस पेशेंट को डायबिटीज हैं उसमें क्या क्या करना चाहिए, देखो पूरा कंट्रोल हमें तो वही एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, हमें अपना वेट हेल्थी वेट मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उससे क्या था हमारा, एक तो वेट कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है, जिन जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को क्या होता है इंसुलिन बनता है बट उनके रेजिस्टेंस आ जाती है. सो व्हाट एक्सरसाइज विल डू, इट विल डिक्रीज, इट विल इंप्रूव इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट विल डिक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड इट विल हेल्प इन अ वेट रिडक्शन. सो एक सिंपल एक वर्क एक्सरसाइज से डेली 30 to 60 minutes एरोबिक्स और ब्रिस्क वॉक से आप तीनों चीज़ों से बच सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी, हाई कोलेस्ट्रॉल से भी
एंड यू कैन इम्प्रूव योर वेट। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक छोटा सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी है जिससे कि हमारा वेट रिड्यूस होगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आएगा, हमारा इंसुलिन का भी नॉर्मल आएगा, तो देन व्हाट इज द एक्टिविटी बेसिकली व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी? मतलब वो ब्रिस्क वॉक करने से असल में अंदर क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से ये अच्छे इम्पैक्ट हमें मिलते हैं? उसका मैं रीजन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल who are aged, who are so much affected whole body, इनके arthritis की वजह से वो properly तेज चल नहीं सकते, अच्छे से चल नहीं सकते, so क्या वो बैठ कर या लेट कर या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उनकी जो अंदर वो चीजें हों और वो इंसुलिन का कंट्रोल में आए, वेट रिडक्शन हो, ऐसा कुछ? देखिए यही चीज होती है, एक्सरसाइज से हमारे कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीशंस होती हैं, गुड हार्मोन्स होते हैं जो हमारी गट में होते हैं, जिसकी वजह से एक रिसेप्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो इम्प्रूव होती है। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ जो कि मेजर फैक्टर है, तो वो क्या होता है कि जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं ना और जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनमें इनकी रेजिस्टेंस आती है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि वो जो इंसुलिन की सिक्रीशन भी ज़्यादा होती है, वो जो रिसेप्टर्स का जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा रहता है एंड इट विल एक्ट मोर ऑन दैट रिसेप्टर्स। तो बेसिकली ये ही एक रिसर्च और एक स्टडी है, उससे इम्प्रूव होता है। एंड वो एंड नेक्स्ट थिंग्स का क्या है कि अगर वेट रिडक्शन होगा साथ में अगर एक्सरसाइज से लिपिड का जो है आपका हाइपरलिपिडीमिया वो कम होगा, तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपका डायबिटीज लेवल भी कंट्रोल में। गॉट डॉक्टर साहब, ठीक है, बढ़िया। एंड हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब हम बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन देन वी हैव आई हैव सम मोर क्वेश्चंस यहाँ पर जो मुझसे मेरे पास अलग एक माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हैं, एंड दैट इज कि इफ वी फील फास्ट ब्रीदिंग during normal walking, is it a risk of heart disease? Sorry? If we feel fast breathing during normal walking, is it a risk of heart disease? Yeah, देखिए मैंने वही जो एक मैंने पहले आपको स्लाइड शेयर किया था, थोड़ा सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे माइल्ड सी हो, आप अगर ब्रिस्क वॉक कर रहे हो तो that is your adaptation, our body adaptation to the exercise. हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं नॉर्मल एक्सरसाइज नॉर्मल मेरे को वॉक करने से ही थोड़ा सा ब्रिस्क करने से ही मेरे को बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत आ रही है, मेरी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, मतलब आई कांट ब्रीद आल्सो, देन डेफिनेटली यू शुड हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन। मेडिसिन की बात करते हैं डॉक्टर साहब, बीपी की मेडिकेशन जो लोग लेते हैं, क्या रात को शाम को बीपी की मेडिकेशन लेना इज ओके? देखिए कोई ऐसा नहीं है, मैं दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा पहली बात इसमें, तो जो हम बीपी की मेडिकेशन लेते हैं तो उसका जो क्या कहते हैं जो उसका असर रहता है, जो उसका एक्शन रहता है वो 24 आवर्स रहता है, चाहे आप मॉर्निंग में लीजिए चाहे वो नाइट में लीजिए, बट डेफिनेटली हम लोग यूजली प्रेफर करते हैं अगर नाइट में ये मेडिकेशन दी जाए। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो अर्ली मॉर्निंग लाइक 5 o'clock 6 o'clock हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं, एंडोस्टेरोन्स होते हैं, इनका अर्ज ज़्यादा रहता है, सो उस टाइम पे बीपी हाई होने का ज़्यादा चांस है। सो अगर हम लोग रात को मेडिकेशन लेते हैं तो डेट मीन उसका जो बेसिकली एक्शन होता है 18 टू 24 आवर्स रहता है, तो वो इट विल परलॉन्ग, सो इट विल कंट्रोल्ड है। अदरवाइज अगर आप मॉर्निंग में भी ले रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं, कोई उसमें कोई वो नहीं है क्योंकि उसका एक्शन इट विल लास्ट फॉर 18 टू 24 आवर्स। डॉक्टर साहब, अगला मेरे पास यहाँ पे सवाल थोड़ा सा Q&A जो हमारे लोग पूछ रहे हैं वहां से भी आ रहा है कि व्हाट अबाउट स्टेंट, हाउ लॉन्ग इट वर्क्स? देखिए स्टेंट का यही है, ऐसा नहीं है कि कितना काम करेगा, कितनी देर चलेगा, बेसिकली द थिंग इज भी वो सारा रिस्क फैक्टर आपकी जो आज मैंने डिस्कस किया लाइफस्टाइल और सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एंजियोप्लास्टी होगी, आपका स्टेंट डला है बट आप मेडिकेशन ड्रग कंप्लायंट नहीं हो, मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहे हो, आप डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में है, यू आर हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऑयल फूड आप अच्छा नहीं ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली then we can't predict भी हाँ आपका स्टेंट अच्छा चलता रहेगा। सो बेसिकली इट इज़ ऑल की भी देखना होता है उसमें भी आपका लाइफ स्टाइल इज़ अ मोर, आफ्टर एनी प्रोसीजर, आफ्टर एनी हार्ट सर्जरी, आफ्टर एनी एंजियोप्लास्टी, द वे यू आर डूइंग, द वे यू आर कीपिंग योर हैबिट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द वे यू आर हाउ मच यू कंप्लायंट यू आर टू द ड्रग्स एंड हाउ मच रेगुलर यू आर फॉलोइंग द योर कार्डियोलॉजिस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपकी ये चीजें ठीक है, कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, बीपी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तो देन डेफिनेटली इट विल यू विल रिमेन हेल्थी फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड अगला सवाल, ये सवाल आई थिंक इसके बारे में हमने बहुत पहले बात की भी थी, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड मीट एंड व्हाइट मीट?
देखिए रेड मीट जैसे मैंने बात की थी कि भी जो जैसे गोट है, बीफ है, पॉर्क है, तो इन चीज़ों में बेसिकली क्या है, देयर ये चीज़ें हमें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, वही मैंने बताया था, उनमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ में जो उनमें फैट होता है, दीज आर वेरी बेसिकली बैड टू आवर हेल्थ। सो दैट इज द मेन रेड मीट हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। एंड डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं सवाल यहाँ की तरफ आ जाता हूँ। डज लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर हैज एनी इफेक्ट ऑन हार्ट? नहीं, देखिए लो ब्लड प्रेशर कैसा है कि अगर बीपी ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लेते हैं 120/80 लेते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर जैसे 100-110 तक रहता है, 110-70 तक रहता है, तो डेफिनेटली इट इज अ गुड, इनफैक्ट इट इज अ गुड थिंग कि भी योर हैबिट्स आर गुड, आपका कंट्रोल में, इवन इफ इट रिमेन 100-60 आल्सो देन आल्सो गुड। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वरी होने की बात है, कुछ करना है, बस आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा अपनी डाइट में सॉल्ट इंक्रीज कर सकते हैं, फ्लूड्स ज़्यादा लीजिए, हो सकता है पानी कम लेते हो, रिहाइड्रेशन हो आप में, तो उसकी वजह से बीपी हो, बट अदरवाइज देर इज नथिंग टू वरी इफ यू हैव अ बीपी ऑफ 100 और 110। हाँ, अगर 90 है, कुछ इससे कम जा रहा है, यू आर सिम्पटम, देन डेफिनेटली यू हैव टू टेक मेडिकल अटेंशन। और सर प्रीटी मच आई थिंक वी आर डन। इसके अलावा हमने कुछ चीजें जो है वो पहले भी कवर कर ली है। जैसे एक छोटा सा एक सिम्टम है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि you know if somebody feels shaky in the chest for 2-3 seconds, shaky mehsoos kiya jaise kisi ne, and that you know and bahut tezi se heart pump hua, halki tezi se koi pain aayi, to ye kya symptoms hai basically? Dekhiye ye dekhna padta hai age ke according usko kya symptoms hai, wo how long these symptoms have been lasting, kyunki abhi ye dekhna padta hai kai baar ye these are lasting, jaise maine stress mein bhi aapko discuss kiya tha, abhi हो सकता है ये आपका जो ये एक स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, अभी एकदम से आपकी हार्ट रेट बढ़ी और विद इन अ सेकंड आपको ठीक हो गया उस टाइम पे, और उस टाइम पे छाती में पेन हुआ हो, बट दीज आर द बेसिकली थिंग्स वी हैव टू सी। एज आई टोल्ड आल्सो, अगर तो आपको जैसे रेट्रोस्टर्न पूरा ऐसे स्क्वीजिंग टाइप सा पेन होता है, आपको छाती भारी डिस्कम्फर्ट लग रहा है जो कि रेडिएट कर रहा है बाजुओं में या जॉ में रेडिएट कर रहा है, पसीना आ रहा है आपको, देन डेफिनेटली इट इज़ अ टिपिकल साइंस ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम, एंजाइना जिसको बोलते हैं, उसमें आपको मेडिकल के एक फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है सिंपल एक पॉइंट दवाई से मेरे को ऐसे दर्द हो रहा है, विद द फिंगर से मेरे को दवाई से दर्द हो रहा है, और वो ऑन एंड ऑफ टाइप पेन है, कभी होता है कभी ठीक होता है, या हिलने से ज़्यादा होता है, लेटने से ज़्यादा कम होता है, करवट लेने से ज़्यादा होता है, देन ऑल दिस आर बिकॉज ऑफ मस्कुलर पेन और सम सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी आल्सो। तो इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती, बट डेफिनेटली उसको भी हमें इजी नहीं लेना चाहिए, हमें डेफिनेटली एटलीस्ट एक ईसीजी तो जो बेस लाइन होती है वो तो करवा के अपने फिजिशियन से हमें बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आई थिंक ये बहुत ही कमाल की जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है जो आपने आज शेयर की है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे। एस्टो केयर के साथ आप एसोसिएटेड हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताना चाहेंगे इसके बारे में? बिकॉज यू नो दिस इज एन ऐप हियर, एंड इस ऐप के जरिए, वेबसाइट के जरिए पेशेंट लोग डॉक्टर्स के साथ, आपके साथ, लैब्स के साथ एंड फार्मेसीज के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक एस्टो केयर पार्टनर्स हु हैव गिवन मी सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू शेयर माय व्यूज ऑन दिस वंडरफुल टॉपिक फॉर अ पब्लिक अवेयरनेस। इट्स अ बेसिकली व्हाट आई फील इट इज अ वेरी गुड, यू नो आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, सो इट इज अ वेरी गुड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन यू नो without waiting you can directly contact, you can take appointment with a doctor or at a home, matlab without waiting standing in a queue, and you can order your medications, you can do whatever your physician has prescribed you, the blood test, that also it is basically a complete single app in which everything you will get from a doctor, from appointment of a doctor to the medication, that too at a your you know सब कुछ आपको एक ही ऐप में, घर पे आपको कुछ नहीं करना है, एक आप एस्ट्रो केयर बीइंग अ पेशेंट, आपको एक एस्ट्रो केयर में जाके आपको बस राइट साइड क्लिक करके एवरीथिंग इट विल शो यू, एंड मतलब इट इज अ वेरी गुड ऐप व्हाट आई फील इज टू अप्रोच टू लाइक राइट फ्रॉम सर्चिंग फॉर अ डॉक्टर क्लोज बाय नियर बाय डॉक्टर्स को सर्च करना है, स्पेशलिस्ट हैं उनको सर्च करना है। इट इज वेरी गुड, अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स इज फॉलोइंग दिस एंड दे हैव वेरी गुड फीडबैक अबाउट दिस,
या डॉक्साइट इज अ वेरी गुड, मतलब हमें तो घर पे हम जाना ही नहीं पड़ा, एवरीथिंग हमारे घर पे बैठे बैठे ही हो गया, और कोरोना है, हम लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे, वी आर वेरी सम, वी हैव टू गो टू, मतलब हम कैसे हॉस्पिटल में जाएं, कि हमें डर लगता था, बट दिस एस्ट्रो एस्ट्रो केयर ऐप इट इज वेरी गुड, व्हाट आई फील इट, मतलब इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर अ यू नो पेशेंट एंड फॉर अ पीपल, कि भी आप डेफिनेटली यू शुड revolution. I think this is definitely a revolution in the medical field. Yeah, as to care for revolution ki tarah aaya. Definitely. Chaliye, ye I think humne bahut sari baatein aaj yahan par ki hain. And Dr. Saab, before we wind it up, ek chota sa sawal aur hai. In case somebody feels ki unhe heart attack ho raha hai, at that particular moment, what a person should be doing? अगर वो क्या कर सकते हैं, या अगर उनके साथ कोई है, असिस्टेंस है, तो क्या करना चाहिए राइट एट द मोमेंट? देखिए, उस टाइम पे एक तो सबसे पहले आपको उसी टाइम, एक तो अगर आपको देखना है अगर पेशेंट का बीपी और सैचुरेशन कितना है, या फिर बीपी कितना आ रहा फॉल हो रहा है, तो इमीडिएटली आप उनको लेटा दीजिए, उनकी लेग्स रेज कीजिए. अगर आपके पास एक घर पे इकोस्पिरिन खून पतले की मेडिसिन होनी चाहिए आपके पास, जिसको इकोस्पिरिन एस्पिरिन बोलते हैं, वो दे दीजिए. एंड दूसरा चीज़ क्या है कि अगर चेस्ट पेन ज़्यादा, एक सॉर्बिट्रेट की गोली आती है 5 mg की होती है, उसको आपने उसी टाइम पेशेंट को, अगर बीपी ठीक रह रहा है पेशेंट का, तो उसी टाइम आपने उनको बोलना है कि वो जीभ के नीचे रखें, एंड इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट योर कार्डियोलॉजिस्ट. दीज आर द बेसिक, मतलब उसमें देर नहीं करना चाहिए. अगर पेशेंट को कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो इमीडिएटली यू शुड टेक टू द नियर बाय योर फिजिशियन और हॉस्पिटल. डॉक्टर साहब, आई थिंक these were all lovely, very amazing, helpful information here. हमारे पास बहुत सारे सवाल जो Facebook पे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, जिनका जवाब हम शायद अभी नहीं दे पाएंगे. Approximately 4,000 लोगों ने वहां पर देखा ऐसे, और बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं जो हम अभी नहीं दे पाएंगे. मे बी हम एक दोबारा वेबिनार करना पड़ेगा शायद उन क्वेश्चंस को लेकर, कि जो लोगों ने पूछे हैं. कुछ लोग वीडियो बाद में देखेंगे, वो पूछेंगे, उनके सवाल मन में होंगे, तो शायद हमें दोबारा मिलना पड़ेगा, दोबारा मुलाकात होगी हमारी, और ताकि हम उन लोगों के सवालों के जवाब दे पाए. लेकिन डॉक्टर साहब, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज गुप्ता. आप पंचकुला में प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई सिटी में हैं, लेकिन किंतु परंतु पूरी दुनिया में आज आपकी आवाज पहुंची, और हम चाहते हैं कि रेगुलर इंटरवल्स में आपकी आवाज, इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचे. try to share more and more of my knowledge to the public. And ek last mein yahi bolunga, abhi corona badh raha hai, please take care of yourself, stay healthy, stay at home, try to take proper precautions, don't go outside. Ha, bahar jaiye jab kuch bahut hi zaruri hai, tabhi bahar nikliye ghar se, otherwise try to stay at home. Thank you. Doctor sir, bahut bahut shukriya, thank you so much. And before you leave, आज आपके साथ मुलाकात होनी थी, तो मैं ये देखिए, ये मैं दिल वाला ये मेरा स्नैक्स है रात का, इतनी सी ब्रेड मैं अभी रात को ही खाने वाला हूँ लगाकर, और ये दिल वाला ब्रेड है, इस पे ये प्यार से बीवी ने बना के दिया सर. सो नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एस्टोगेयर, थैंक यू मोनीश, मिनी एंड एवरीवन, गौरव, थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye, Dr. Sir. All right, ladies and gentlemen, especially thanks yahan par main bolna chahunga to all the viewers jinhone aaj hame yahan par dekha hai, jude hamare sath yahan par. Thank you so much. Facebook, YouTube, Zoom, India se, Pakistan se, and then also at the same time, bhai main thanks bolna chahunga to the people from Europe, man. यूरोप से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच, लवली. और मैं यानी कि गौरव शाह यहीं पे साइन आउट करूंगा. रीजन भी बिकॉज बहुत लंबा हमारा ये वेबिनार चला गया, एक घंटे का अप्रोक्सीमेशन था, हम बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए, टाइम बहुत लिमिट ऊपर हो गई है. दोबारा भी शायद करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे सवाल जो है वो उनके जवाब नहीं दे पाए हैं. जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना दिल संभाल के रखिए, क्योंकि दिल का मामला है, दिल जो है बड़ा जरूरी है. एट द सेम टाइम COVID-19 की सिचुएशन है, प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस बता रही है, जो हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस बता रही है, उनको जरूर फॉलो कीजिए. कीप डिस्टेंस, मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए, और अपने आप को बचा कर रखिए. स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल. और मेरा ये दिल वाला स्नैप का टाइम हो गया अभी रात को, इट इज नॉट गुड.
don't follow that, okay? This is your host, Gaurav Chasani. Thank you so much, guys. Take care. Bye-bye.